ए ज्योति, ए देखी मांगे उठा ना उठा, उठा उसे मंदिर लेके चलेगा मुझे। देखू मम्मी जी। अरे तू क्या यू लोटा से ठा के खड़ी हो जा। मंदिर जा रही हूँ मैं, टोका टाकी मत करे करो। अरे टोका टाकी बता रही, जब से बहू आ गई ना तू होगी ठाली, तू बन गई भगतनी। भगतनी ना बनी हूँ मैं, पंचमुखी के मंदिर जा रही हूँ। वो शिव मंदिर संबल हेड़े का? हाँ वो ही मंदिर, बड़ी बड़ी मन्नत पूरी हो गए उसमें। अरे मैंने मांग रखी मन्नत 21 सोमवार जाना, और हर सोमवार को जाऊंगी। अरे रहन दे, मन्नत इन लोटो से पूरी ना होती, मन्नत पूरी हो काम करनते। अब मैं ही करे जाऊंगी काम, बतेरा कर लिया काम मैंने। अब जा रही मैं मंदिर, थारी ना सुनती हूँ। अरे उसे पंडित को तो उठ लेन दे कर, कुछ साफ सफाई कर लेन दे कर, क्यूआर खोल लेन दे कर, तू तो थाली लेके खड़ी हो जा तड़की तड़क। उठ गाओ गाओ, 7 बज रहे हैं। हाँ 7 ना 12 बज गए। ज्यादा बकवास तो करे मत, चलना तो मैं जा रही हूँ। मुझे 5 मिनट लगेंगे, अभी मैं कुछ खा लूं। जल्दी निकाल ले मोटरसाइकिल। बाप बेटा दोनों एक से हो रहे हैं। हाँ उसकी साथ मुझे और लपेट लिया कर तू। अरे बैठ के चला ले। अरे मारेगा के? अरे घेरेगा के कहीं? अरे भैया तू मंदी चला ले, मुझे तो लगा डर तेरी गाल बैठने में। अरे सही तो चला रहा हूँ, बता कैसे चलेगी सही? सही तो ना चला रहा। सही चला रहा हूँ, जब तो तेरे ने हो जा, चाय मत पीवे, यू मत करे, वो मत करे, है ना? उठ तू जल्दी चल, जने के रेल निकल रही है। अब चला रहा हूँ तो नुकहरी अग्नि हूँ, अब इसको चलन दे। गिरेगा क्या? अब ना गिरूंगा तो तू गिरवा देगी। सही चला रहा हूँ मैं। तू खुद भी गिरेगा और मुझे भी गिरेगा। कुछ ना हो रहा तू चलन दे। मैं नु कह रही हूँ मंदी चला ले। अरे न्यू कुछ ना होवे तेरे, तू चला ले, तुझे डर लग रहा तो। अरे मेरे पे चलानी आती तो मैं तुझे क्यों लाती? अरे ले आ नर, अपना तो ध्यान है ना, दुनिया की बूझता चले। देखिया जा रही रामे की बहू। सबके नाम की पता है तुझे तो, तुझे काम ही क्या है, यू ही काम रह गया। हाँ और आजा तू भी अंदर, मत्था टेक ले। अरे तू ही जा, तेरी मान ले वाई भतेरी है। ऐसा कराया तू देख ले, भगवान के दर पे भी आके मत्था टेकने को भी मना कर रहा। जा तू जल्दी आ जाइए, मैं ही खड़ा हूँ, कदी एक घंटा लगावे। अरे के हो गया? कुछ ना, चक्कर से आ गए थे। पानी ले आऊं एक आध घूंट? ना बेटा, मेरा व्रत है पानी ना पियूं। अरे एक आध घूंट में कुछ ना आफत आ रही, अपनी जान बचानी जरूरी है। तू नहीं उकर बेटा, मुझे धौली प्याऊ तलक छोड़ दे। हाँ छोड़ दूंगा, चल खड़ी हो आ। अरे यार बड़ी बात कही तने, चल। जीवदार है बेटा। अरे घरू छोड़ आऊं? ना ना बेटा, मैं चली जाऊंगी, अपना काम कर ले जा। अरे मेरा कुछ काम ना, मेरी माँ बैठी है, मुझे वहाँ घरू लेके जानी है एक बार। जा जा के लेके आ। अच्छा चलो। लो प्रसाद। हाँ प्रसाद तो ले लेंगे, इतना टाइम काहे में लगा दिया? मंदिर में तो टाइम ही लगा है, फिर यू ढूंढना पड़ा है कंगे गया। क्यों तेरे साथ ही ना था मंदिर में यू, और कहाँ था यू? यू थारी औलाद ना, यू थार से कम है, बाहर बैठा रहे। नू ना सोचता मैं अंदर जाकर हाथ जोड़ लू। अरे हाँ भाई कितो में को आ जाइये। अब कर तो दिया तड़की तड़क के काम, मंदिर में हो तो आए।
हाँ घने काम कर दिए तेने तो। अरे खेतों में डोल के तेरा बापू काटेगा। वो है तो सही वहाँ, उस पर डोल भी ना लिकड़े। हाँ वो तो वहाँ डोल भी काट लेगा, न्यार भी काट लेगा, पानी भी चला लेगा, वो तो सारे काम कर लेगा, पर तू ना कुछ कर लिए। अब यहाँ घेर में भी तो एक आदमी चाहिए, कोई आवे जावे, हुक्का पानी एक सारे जाके खेत में बैठ जावे। भाई बहुत बढ़िया, मैं लाऊं तेरे लिए खाट और बनवाऊं तेरे लिए हलवा और उसे हलवे को खा और यहाँ खाट पे लौट। तेने बढ़िया भिंडी पाड़ रखी भाई मारी, तो तू ना कर लिए कुछ भी। तम उसे भी बुला लो और तम खा लो वे हलवे, मैं कर दूंगा खेत में काम। कुछ काम भी है, यू जरा सा काम है। हाँ यू काम है जरा सा। अरे काम कर, खेतों पे घुमरिया कतई निकम्मा, करना ही ना ऐसे तो कुछ भी। अरे उस्ताद जी राम राम, राम जी राम राम। अरे उस्ताद जी मैं तो वहीं दर्शन करने आ रहा था। दर्शन तो हम ही देने आ रहे थे ना। हाँ अच्छा अच्छा, तो फिर यहीं लोकल में ही है प्रोग्राम, कोई लंबा है? मांगे हमारी हाइटी कम है, प्रोग्राम तुम्हारे लंबे ही रहे। हाँ हाँ हेलो। अरे हेलो। हाँ मोहन सुना के बात। अरे तू कहाँ है? अरे मैं तो उस्ताद जी की गैल हूँ। अरे तीन चार लड़के पीटने। अच्छा कहाँ के हैं? अरे ये नहीं पता, पर धनोरे वाली गाड़ी में चढ़े हैं, हो सके तो वो धोली प्याव पे उतरेंगे। अच्छा तू धोली प्याव पे आ जा, और बस से पहले आ जाऊंगा मैं, तू भी आ जा। हाँ ठीक है, तो मैं तो आ लिया। ठीक है तो आ जा। ठीक है। क्या हुआ? अरे वो मोहन के किसी ने मार मूर दिया। अच्छा हाँ। मेरी जरूरत है, थाम लेगा? अरे तेरी जरूरत तो है ना, पर तू खड़ा रही है वहाँ। मैं खड़ा तो मैं रहूंगा, पर थोड़ी इमेज का फर्क पड़ेगा, छोटे मोटे झगड़े में मेरा के काम। हाँ चल, मुझे धोली प्याऊ तो छोड़ देगा, तू लिकट जाइए। अब धोली प्याऊगे, अब तो मैं चलूंगा ही। हाँ। पर एक बात बता, 5-7 के तो लपेट लेगा। हाँ। बाकी तो मैं झेल लूंगा फिर। अरे सही कह रहा है। अच्छा बुरा ना माने तो पीछे को जा, मुझे गाड़ी जल्दी जल्दी खींचनी पड़ेगी। आ जा ले, चला बैठ जा, उतरे ना। हाँ बैठ लिया के? हाँ बैठ के। चलाऊं ना? मांगे मैं थोड़ा सा मुंह दूं। अरे इतना टाइम नहीं है, जल्दी गाड़ी भी पहुंचानी है वहाँ, और फिर तू यहीं मुंह लेगा तो उनके मुंह में साड़ो के। अरे हाँ यार, उनके मुंह में भी तो यू भी भाई। और भाई ज्यादा ही लग रही हो तो टट्टी वट्टी करके आ जाइए तू। मैं चल चल वहीं देखूंगा, चल के। अरे रुक जा रुक जा, मारेगा के मारेगा के। रोक ले रोक ले, अबे रोक ले, अबे रोक इसे रोक दे। चल भाई चल, चढ़ जा मोटरसाइकिल, मैं संभालूंगा, और खाल तार दिए, बाकी मैं खड़ा हूँ। चल। अरे इस बस में गुंडे कई हैं भैया, कौन सा है? अरे यूदिक है। अरे भैया मेरे सर में दर्द हो रहा। अरे तो दर्द हो रहा, बताता क्यों ना रहा है कौन सा गुंडा है? गुंडा कौन सा है? क्या बात है? तू इधर खेत रे। अरे मैं तो कंडक्टर हूँ। साले क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, गुंडा कौन सा है? अरे हाँ मैं गुंडे, हमें बता क्या बात है? साले तू आदमी पिटवा दिया, बता नहीं सकता, बता नहीं सकता, बता नहीं सकता। देख के चल ले। अरे उस्ताद। हाँ हाँ आजा, हाथ साफ करना हो तो। कितने हैं? 3 है बस। नहीं नहीं तू ही कर ले, 5-7 से कम मेरे हाथ नहीं चलता, मेरी इमेज का। एक मिनट। अरे ओए चला चल अब। ठीक धो दिए सारे? मैंने कर दिया सब ठीक। पीछे कहाँ रह गया था तू? पीछे ही था मैं। यार तू भी चला, कहाँ चल दिया तू यार? मोहन भी आओगे यहाँ मोड़ ले। अच्छा यू ले मोड़ दी। हाँ भाई सिगरेट ले रहा है? हाँ जी सिगरेट है। ला तो फिर एक दे दे। माचिस कहाँ है? हाँ माचिस भी है, लो जी। क्यों फेंपनी भर रहा, आराम से बैठ जा।
हाँ रिचा। हाँ रूपाली, याद है ना? हाँ हाँ याद है, मैं आ जाऊंगी। हाँ बर्थडे है आज मेरा। हाँ रिचा मुझे याद है। ठीक है आ जाना टाइम से। हाँ ठीक है मैं घर जा रही हूँ, फिर आती हूँ। ठीक है चल बाय। और सुना? हाँ बहुत बेहतरीन, मौज आ रही है। तू रह गया आज मारे बगैर? अरे भाई छोटी मोटी बात तो ध्यान नहीं देते हम। ले देख ले वो आ गया। अरे के रहे भाई? अरे उस्ताद ने बजाया सब पे लठ, तोड़ गिरे। तू चिंता क्यों कर रहा? तोड़ नहीं हम तो। हाँ अरे काम है यार। हाँ आज शाम को रिचा का जन्मदिन है और चल घरू। हैं सांझ को? अरे हम तो भूले बैठे थे भाई, सांझ को है ना। हाँ। भाई सांझ को आऊंगे हम तो। टाइम से आ लिए? हाँ टाइम से आ जाऊंगा। और तू एक काम कर। कौन सा? तू मोहन को गांव में छोड़ दिया, मैं इतने एक सिगरेट और मारू या तो होली। ठीक है मैं अभी गया, अभी आया। ठीक है टाइम से आ लियो भाई। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। हाँ भाई चाय बना ले और एक सिगरेट और दे दे। चाय बन जाएगी जी। क्या पैसे हो रहे हैं तेरे? ज्यादा ना जी, 20 रुपए हो रहे बस। चल देखेंगे 20 रुपए भी। अरे उस नवाब की भी पता कहाँ है सवेरी से? वो अरे कहीं घूम रहा होगा अपने यार दोस्तों की गैल। भाई मैं तो छोरे से भी दुखी होगी, इसकी पता ना पड़ती कहाँ रहे यू। चलना ना क्या मॉल में? कैसे चुप बैठ गए, चलना ना। अरे मॉल में कोई ज्यादा बढ़िया कपड़े मिले हैं? माँ के साथ चली जा जैन की दुकान पे, एक से एक बढ़िया कपड़ा मिले वहाँ, और मारा उधार भी चले। मुझे ना जाना दुकान पे, मुझे तो मॉल से ही लेके आने हैं। अरे ले जा परखू, मॉल मॉल कर रही है तो दिवाला जा। अरे मुझे मॉल के कपड़े मुझे कुछ समझ में नहीं आते, और मुझे खाद लाना, बीज लाना, डाई लानी है, मैं इसे कहाँ ठाए फिरूंगा मॉल में। तब नू क्यों ना कहते था मैं लेके ना जानी में। सही बात है कपड़े मिले मॉल में ही, और इसके बस की ना हो तो भाभी मैं ले चलूंगा। अरे ओ उपदेशक, यहाँ देन लग रहा है शांति संदेश, जो तू बस में वो सत्संग सा करके आया ना सबको बता। अरे किसे किसे पीट आया? मैं क्यों पीट के आता? हाँ वो सतीश मलिक, वो संदीप राठी, वे जिम्मेदार लोग, वे सारे सारे झूठ बोल रहे। वो नौरंग उस्ताद जी ने कोई पीट दिया होगा, मेरे नाम लगा दे। अरे वो जिसे तू बबरी भान मान रहा ना, वो टीवी का मरीज, एक थप्पड़ का जुगाड़ नहीं, उसे किसी दिन कोई बिखे रूप आवेगा और उसे चुक के तुझे लाना पड़ेगा, समझ गए के? तम उसे अभी जानते ना, वो किसी पे भी हाथ छोड़ दे वो। अरे हाथ भी छोड़े है वो? पता ना तुम कहाँ थे, लड़ाई की बात ढूंढ के लाए हो, यहाँ जो बात चल रही थी वह सब अलज पलज कर दी। भाभी को मॉल में थे कपड़े लाने हैं। अरे भैया ले जा, मॉल मॉल कर रही है दिवाला पर, जा मॉल में सही। कपड़े माँ मॉल में बढ़िया मिले हैं, ले जा इसे। यार वहाँ है ना सुरेश है एक गार्ड, उससे तू मेरा नाम ले दिए। हाँ तेरा तो बड़ा हफ्ता चले वहाँ। तुम्हें कुछ पता तो है ना, तुम जाके देखियो कितनी सेवा करे है वो। अरे भैया तू एक काम कर, तू ही ले जा सा मॉल, जो ही मांग रही दिवाला से जा। हाँ हाँ मैं दुआ लूंगा, भेजो। भेज इसे, ये भी ढा होगा तेरा सही रहा। रहा के जब जिद करो खड़ी है, जुम्मे हो रही है जब सही, तो कोई ना कोई तो लेके जाओगे ही। भेज भाई भेज। ए रूपाली आज मैंने इतना अच्छा छोरा फेटा जो बस स्टैंड तक छोड़ के गया, और बोला तब मैं डॉक्टर को भी दिखा दूं, आजकल इतने अच्छे भी छोरे हुए हैं। माँ तुझे मिल गया होगा कोई ना, तो आजकल एक पे एक बिगड़ल हांडे हैं। घर से तो निकले स्कूल के नाम पे, तू आज की देख ले, बस में चढ़ लिया एक खड़ूसा, और बेचारे बैठे हुए कुछ यात्रियों को दे घूसे, दे लात, दे थप्पड़ मारने लगा वो। बेटा तू ऐसे लोगों से दूर ही रहा कर। मैं तो दूर ही थी, मेरा के मतलब उससे, मैं तो चली आई। अरे सुनती है? हाँ जी। आज मुझे जमीन वाले के पास जाना, वो सारे कागज और पैसे थैले में रख दिए। रख दिए जी। आप पिताजी आज ना रिचा का बर्थडे है, मुझे उसके घर जाना है, तो तब मुझे छोड़ते हुए जाना। ठीक है बेटा, पर तू वहाँ से आएगी कैसे? मोहन छोड़ देगा इसको। चल ठीक है। अंकल नमस्ते। नमस्ते। आ जाओ अंकल, भीतर चाय पानी पी लो। नहीं मोनू थोड़ा सा काम है, तहसील में पटवारी के पास जाना है, थोड़ा टाइम से रूपाली को घर छोड़ दियो। अच्छा अच्छा छोड़ दूंगा 8 बजे तक। ठीक है भाई। अच्छा अंकल नमस्ते। नमस्ते। चलो जाओ इन्हें खाना खिलाओ। ओ ताऊ, ओ ताऊ, देखिए क्या है इसमें। ओ ताऊ। अरे इसमें तो बहुत पैसे भरे हैं और कागज से हैं, पकड़ इसे ताऊ को देखेंगे। चलता हूँ।
क्या दे रहा दू? दू रुपया सामान की क्या दू? वहाँ पड़ गया था मोड़ पे और हम जब तक पीछे लग रहे हैं, पर तू सुन ही नहीं रहा, तू तो अपना हवाई जहाज हो रहा है। अरे छोरे मैं तो समझ रहा था तुम मुझे लुटन खातिर पीछे भाग रहे हो। हम तुझे ही लुटेंगे। थैले में पता क्या है? हाँ पैसे नोट भर रहे हैं इसमें और कुछ कागज से हैं। देख ले अपने, चेक कर ले, ठीक तो है? ठीक है। अरे तुझे हम लुटेरे लग रहे हैं के? कम से कम सिकल ही देख ले कर आदमी की। पोजीशन तो देख हमारी। हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम करा, सारे काम बिगड़ जाता, पैसे भी ब्याज के। काम तो हम अच्छे ही कर रहे हैं जी, पर किसी की समझ में ना आते वो अलग बात है। ज्यादा डर रहा हो तो हम छोड़ जाए। ना बेटे मैं चला जाऊंगा। पर ठीक है चला जा, कोई दिक्कत ना। बेटे तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो, कौन से गांव के हो, थारा नाम क्या है? मैं बैठाता हूँ जी ओम प्रकाश का। ठीक है ठीक है ना, और कभी कोई दिक्कत हो तो याद कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, राम राम। चलो बेचारा बच गया आज तो, हैं? नुकसान हो जाता है इसका तो, हम भी देर हो रही देखे है हमें भी। चलो तो टेंशन मत ले, मैं छुड़वा दूंगी घर पे। मैं बोल रही हूँ ना, तू टेंशन मत ले, मोहन भैया से कह के छुड़वा दूंगी। अरे यार केक काटो, अब किसका वेट कर रहे हैं? बस 5 मिनट की बात है, भाई के दोस्त आने वाले हैं बस। ओके यार, बहुत अच्छे हैं वो। देख कितना सुंदर केक है। अरे यार कहाँ रह गया तू, तेरे मारे केक रोक रखा। अरे गुरु तू भी कहाँ रह गया, आओ यार। बहुत बढ़िया, आओ शुरू करें। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you. happy birthday. खा लिया, अब मुझे अच्छा, घर छोड़ दो। मेरी तो बाइक खराब है, विजय भाई से बोल देना वो छोड़ देंगे। अरे वो ड्यूटी से ना आया अभी। अरे मांगे भैया अब चले जाओगे रूपाली को छोड़ने? हाँ हाँ यू छोड़ देगा नौरंग। हाँ ये इसके साथ ना जाओ मैं, यू मच्छर सा, इसके तो पैर भी इतने छोटे, बाइक पे भी ना आए, खुद भी गिरेगा और मुझे भी गिराएगा। आई डोंट डिसलाइक ये। अरे मांगे छोड़ देगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और घर जैसे संबंध है। इस बदमाश के साथ मैं बिल्कुल भी ना जाऊं।
बहुत बड़ा बदमाश है ये। बदमाश नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा ठीक है मोहन भैया, आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगी, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। फोन करेगा ये जाते ही मुझे, तुझे छोड़ते ही। ठीक है ठीक है, जा चली जा, देख लिए तू ले जा। नहीं नहीं, ठीक है ले जा। ठीक है बता उस्ताद जी कैसे करना, मैं या तो इसे छोड़ के आ रहा हूँ, तुझे लेके जाऊंगा। आई डोंट केयर, मैं प्रधान को फोन कर दूंगा। चल ठीक है। अच्छा भैया ध्यान से ले जाना। अच्छा बाय रिचा। ठीक है मांगे। बाय बाय मांगे। ओके भाई बताओ के बात। राम है बदमाश। अच्छा हाँ भाई, ये तो माल ले रहा, माल। बदमाश है? हाँ। अच्छा बड़े झोरी हो, माल देख के खुश हो रहे हो, उतरिए एक बार। लो देखो माल पहचान लिया भाई झोरियों ने है? अरे हाँ पहचान लिया। मुझे भी पहचान लो फिर। ये तो वही है बस वाला ही। उई, ये तो बस वाला रे, तो बहुत मारे। ए भाई किसने सलाह दी तुम्हें बदमाश बनने की? माल बता रहे हैं। हाँ देख लो माल यूरा, लो सिगरेट पियोगे? ना छोड़ा हमने तो बीड़ी पीने की औकात नहीं, सिगरेट पियोगे? ए भाई के करना था माल का? कुछ ना करे थे बाबूजी, हम क्या करते भला। ए भाई लूटन आए थे के? अजी नहीं मारी क्या हिम्मत, हम तो लूट ले। माल देख रहे हैं बेथारिया। अरे किसने सलाह दी था मैं डाकू बन जाओ, गुंडे बन जाओ? पीढ़ी चलती आ रही। तुम तो पान की बीड़ी की मूंगफली की दुकान खोल लो तुम। ऐसा ही करेंगे जी जैसे तुम कह रहे हो। ए भाई पिट्टू आ, मैं छोड़ दू ना? अजी नहीं बाबूजी छोड़ दो आज आज। अरे माल माल लूट के देख लो, दिन में तो बस में मने तुम मारे ही थे, अब तुम जोन सा माल के हाथ लगा देगा उसके हाथ काट के उसके कंधे पे गेर दूंगा, कोई सा आ जाओ देख लो। भागन ना दू कभी मन में, सोच रहे हो भाग जाएंगे? छोड़ दो जी, हम तो चले जाएंगे जी आते। ए भाई आजा। अरे आ आजा आजा मारू हाँ। छोड़ दो जी। अरे साले तुम इतने गिरे हुए हो तुम्हें तो। अरे मुझे उतर के आना पड़ता तुम्हें पीटन पर, थारी इतनी औकात ना, साले करने मर गया। चल पांचू। दीदी जी नमस्ते। 100 रुपए ले रहा है? ना जी। साले 100 रुपए, 100 रुपए के आदमी मर जा। आजा काले फसेंड। अरे मौन मौन जा। आई पैर छू अपनी बेबे के। चले। हाँ 100 रुपए ले रहा है? 100 रुपए तो नहीं है जी। 10 तो ले रहा होगा? 10 भी नहीं है जी। अरे तो इतना धेल क्यों मार रहा, वहाँ खड़ा हो जा, तू तो साले घबरा रहा, काहे की डकैती है? वहाँ खड़ा हो तू, आजा, तू रह गया आजा। मार दिया तेरे न्यू कर रहा। अरे मारा तेरे, फिर मारा तेरे मन। अरे मारा, अरे मारे आके मने तेरे, मां कसम छोड़ दूं। अरे थारे पे 10-10 रुपए नहीं, डकैत बन रहे हो तुम, काहे के डकैत हो? वहीं खड़ा हो अपनी जगह, या तो कट्ठे 50 रुपए दे दो, नहीं 10-10 दे दो। लू आ साले मेरा टाइम खराब करा तुमने, दे रहा या सारे खोस लूँ मैं? अरे साले 50 रुपए दे दे, टाइम तो तुमने 500 का खराब कर दिया, पर अब काम चलाना पड़ेगा। 50 रुपए दे क्यों यार, मर देव रघु वहाँ देख रहा मारवा गुट ससरे का। अरे ये कौन है भाई? बदमाश है। बदमाश? हाँ। और अब बदमाश तो बहुत मारू मैं। हाँ मार। इनाम सिनाम भी है कुछ इन पे? इनाम? अरे इनाम पिनाम है कुछ, 100-200 थारे पे? ना जी मेरे पे ना कुछ भी। इन पे ना कुछ भी? 100 रुपए भी ना? ना। अरे मारना तो दूर, मैं तो इनसे बात करना पसंद नहीं करूँ। चलो जा। अच्छा अरे टाइम खराब मत करो, रूपाली ने मैं छोड़ूंगा और तुम जाओ घर को। हाँ चल छोड़िया तू ले जा।
आ भाई अब सीधे घर ही जाइयो। हाँ हाँ ठीक है, ले ये सिगरेट पी और मौज कर। ए भाई इसमें कुछ ना धरा यार, कोई ठीक सा काम कर लो, इसमें ना धरा कुछ भी, आजकल कोई बचत ना है इसमें, ठीक है ना? और सुनो कोथली लेके आइयो बेबे की। मैं तो बहुत मारता साला भी ना। आज बता दूंगी सर, यू टाइम है इसका घर आने का। अरे काम मर रहा था तू अब तक, यू टाइम है तेरा आधी रात को घर आने का? तेरे पिताजी ने 11 बजे तक बाट देखी है तेरी, और छो रहे हैं बहुत। अब 11 बजे तक बाट देखी है तो मैं क्या करूं, आ तो गया अब। तेरा न रही शर्म लिहाज बिल्कुल भी, और ना तेरे क्या सुने की एक लगती, इतना बड़ा हो लिया तुझमें ना अकल का खोज। हाँ 7 बजे आ जाता तो हो जाती अकल मेरे में। घना तो बोल मत ना, रोटी खानी हो तो बता। अरे रोटी मैंने खा रखी है, तू दुखी मत हो। हाँ तू पाल्टीन में फिर है ना खाता, इन हालत तेरे फेरे बिना फिरने के, यू बता रही हूँ बात। अब रात को ही फेरे फेरेगी के, चल अब कोई दूध दाद धरा हो तो दे दे मुझे। हाँ दूध दे दू तुझे, तू आया बड़ा खेत में काम करके। अरे नूनी बता रहा कौन सी पाल्टी में है? अरे वो उस्ताद जी, वो नौरंग। आन दे उस नौरंग को, ना मैंने उसके पेट पर पांव धर का फोड़ा ना उसका झेंद, उस लवारे से ना खून पी रखा, मानस ना मानस की जात। अरे तुम्हें ना पता उसका? चुप का हो जा, सो जा जाके, मुझे भी सो जान देर। आन दे उस बेटे से को, ना मैंने मारा धरती में देखा हूं, तन्ने बड़ा खून पी रखा मेरा, दिन में काम करूं रात भर तेरी बाट देखती रहूं। किसने सलाह दी थी मैं बदमाश बनने की? माल बता रहे हैं। हाँ देख लो माल यूरा लो। तो मैं तो अरे मुझे उतर के आना पड़ता तो मैं पीटन पर थारी इतनी औकात ना सड़े। अरे युदिक युदिक है, 100 रुपए ले रहा है सड़े, 100 रुपए के आदमी ना होता होता मर जा। अरे आकाश। हाँ जी। अरे सुन, बुग्गी तोल ले, पर्ची आ रही, कांटा चल गया। कांटा तो बंद बता रहे जी। अरे उमरा बता रहा ये बंद है, बी चल रहा। ठीक है तो जी बुग्गी भरी खड़ी है, बी पे तुलवाऊंगा। हाँ तुलवा दे इसे। ठीक है जी। राम राम। अरे तुझे पता कैसी राम राम है या? कर दी होगी ऐसे ही। ऐसे ही करे राम राम यू, इसकी राम राम में भी बात है कुछ। अरे सुन रे कुआ, हाँ सुनाओ। अरे कहाँ था रात? यहीं तो था करुई। अरे रात 11 बजे तक तो तू आया ना था। और तुझे एक बात बताऊं, सुधर जा, इस चिंदी के साथ रह के बिल्कुल नाश ही हो जाएगा, बाज आ जा। सुधर तो रहे हूं और के करना है मुझे? हाँ या राम राम तेने नुई करी भाई, अब तो हमें ही राम राम करनी तजे। अब के करवाना नू बताओ? आकाश जान लग रहा बाजार, इसकी गैस चला जाइए कुछ सामान लाना। ठीक है चला जाऊंगा, जब जाओगा मेरे ते बता देगा, मैं यही हूँ। अरे आकाश सुनिए भाई। हाँ जी। अरे जो भी डांगरों का सामान सुमून है इसे ले जा साथ, उसे लुआ लाइए, इसे लेके चला जाइए, और नहीं मेरे जाते यू भी निकल जाएगा, ध्यान कर लिए। ठीक है जी। इसकी सर्विस करवा ले या बड़बड़ बोल रही है? यहाँ फुर्सत दरी है बापू, नारा लट दिए जा। अरे तो मेरे ते कहो ना, मैं करवाऊंगा। हाँ तो करवा दे फिर। अच्छा चलो कह करो फिर, मैं ना कुछ पूछता हूँ तो न्यू कहो भाई कुछ काम ना करता है, और पूछ रहा हूँ तो। हाँ तुम्हारी मान्य घनी है। अरे तो अरे मांगे तुम यहाँ कैसे? अजी बस घर उठाली सा पड़ा था, मैं सोचा मूड सा फ्रेश कर आऊं, आ गया। अच्छा मूड फ्रेश कर रहे हो? हाँ मूड फ्रेश करने लिखड़ा था, तम दिखगी मैं थारी ओड को आ गया। और अगर मैं ना दिखती तो फिर किधर जाते? ना दिखती तो बस नहर पे पुड़िया पे जाके बैठते, कोई मिल जाता तो गपशप मारते।
वैसे खल लेने जा रहे थे हम। अच्छा हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो कॉलेज जा रही थी। अच्छा चलो तो आज कॉलेज ही चलते हम भी। तुम? हाँ जी। तुम मेरे साथ कॉलेज जाके क्या करोगे? वहाँ पे जो आउटसाइडर लड़के होते हैं ना, उनके साथ झगड़ा हो जाता है। आउटसाइडर? अरे वो लड़के जो कॉलेज में नहीं पढ़ते। अरे तो और बढ़िया बात है, बिना पढ़ू झगड़ा हो जाएगा। मेरा रिक्शा आ गया, मैं चलती हूँ। चलो हम भी चल रहे हैं। उंगे को लग रहा है इंगे मर ले बैठा है। तम हो जाओ परे को। आधे लोगों को तो यहाँ न्यू भी नहीं पता कैसे बैठना कहाँ बैठना है, बस बैठ गए ऑटो में। तू सच में चल रहा है क्या? अरे तो झूठू ही, हम कोई काम नहीं करते भाई, हम तो जो कुछ करे हैं सच में करे हैं बस। हाँ अच्छा तो सुन, हम कहीं और चलते हैं। और कहाँ चले? चल वे खाने पीने से कह रहे हैं उनमें चल रहे हैं। रेस्टोरेंट? हाँ हाँ वही, वहाँ कुछ खा लेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ चल भाई, रेस्टोरेंट पे उतार दे थोड़ा सा। यहाँ पी ले चाय? नहीं वहाँ देवराना में चलते। अच्छा उसमें चल। जिम में तो 100 रुपए पड़े दिखे हैं। देवराना रेस्टोरेंट बहुत सुंदर बना हुआ है, इसका खाना, इसकी सर्विस, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तुम देखोगे ना, इतना सुंदर बना हुआ है ना, बहुत सुंदर बना हुआ है। चल ठीक है, तो आज ही सुंदर को भी देखते हैं। आ जाओ। बैठो। अब बताओ क्या लोगे? चाय फैन मंगा लेते हैं एक। एक्सक्यूज मी मैम, तुम यहाँ पहले कभी आए हो? आते रहे हम तो। रुको मैं बताती हूँ। अच्छा आप लाइए। दो स्वीट कॉर्न सूप दे दो पहले। okay. और उसके बाद पनीर टिक्का। okay. और चीज पिज्जा। ठीक है। पानी बड़ा सेड़ा, कौन से नलके का? कैसे कैसे बात करते हो तुम। अच्छा फ्रिज का होगा। हाँ वैसे हमारे राजवीर वाले नलके का भी इतना ही ठंडा आवे। यहाँ पर रखिए। ये है स्वीट कॉर्न सूप। खीर है सब्जी? स्वीट कॉर्न सूप। अच्छा रायता गरम कर रखा है, नून थोड़ा बत्ती पड़ रहा है ना, तो बढ़िया बन रहा है। रायता नहीं है ये, स्वीट कॉर्न सूप है ये, बहुत पौष्टिक होता है। मक्का से भी गेर रखे इसमें तो। मक्के को इंग्लिश में स्वीट कॉर्न ही कहते हैं। अच्छा अच्छा और सुनाओ। बस तुम बताओ। वैसे फ्यूचर में क्या प्लान है तुम्हारा? प्लान के बतेरी जा जाते हैं, बस उसे संभाल लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो आदमी को काम करने होते हैं ना। करना के जो चाहोगे हो जाएगा। ठीक है ये लो, ये है पनीर टिक्का और ये है चटनी। कैसा लगा पनीर टिक्का? पनीर सा लग रहा है तो। हाँ ये पनीर ही है। बढ़िया बना रखा है वैसे। सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है। गंठी भी ताजी है। तुम्हारी बातें हैं बड़ी गजब। मारा उस्ताद है ना, उस्ताद तो ज्यादातर खाना यहीं खावे। उस्ताद? मेरा दोस्त है नोरंग। अच्छा वो घर कम खावे, ज्यादातर रेस्टोरेंट में खावे। एक बात बताओ, उस दिन बस में तुमने उस लड़के को क्यों पीटा? अरे साले मोहन को पीट के आ गए थे। मोहन का फोन आया बस में आ रहे होंगे, मगर मैं देखूंगा। मैंने उस्ताद लिया और मैं पहुंच गया बस में, दह दबा दब और दह दबा दब, तुझे किसने बता दी? अक बस में पिटे हमने।
मैं तो उसी बस में बैठी थी ना। अच्छा, मुझे लगा कि तुम गुंडे हो। मैंने तो ध्यान बिना दिया, तुम भी उसमें ही हो। अच्छा जी, नहीं तो उसी दिन मिल लेते। तो मैं कोई कुछ कहो तो मुझे बताइयो। और कुछ मैम? अभी तो बच रहा था उसमें। खा लिया मैंने। अच्छा, आप लेके जाइए। ओके मैम। या कौन सी रोटी है? रोटी नहीं है, पिज्जा है। पिज्जा पियेंगे कैसे इसे? इसे पीना नहीं है, खाना है। मैं बताती हूँ। पापड़ सा आए तो। सामान बहुत धरा रहे यहाँ। तुम भी पता ना केक के खाओ। मैं कहूँ लड़कियाँ ऐसी क्यों ही रही है, खावे माल हमें पता ही ना था। ये कभी कभी खाने की चीजें होती हैं। घी लगा रखा है इन्होंने, परदेसी ना पावे इसमें। तुम बोलते बहुत हो। मारा तो जेड़ियो तो भूत चढ़ावे, यहाँ जेड़ियो तो लोग रोटी खावे। क्या बोला तुमने? जेड़ी है ना, जेड़ी या धरी। मारे तो या ना रही जेड़ी, जेड़ी कहवे इसे हम। मारे भूत चढ़े जब यहाँ काम आवे न्यू। यहाँ लोग रोटी खा रहे हैं, बताओ कैसे करें हम। तोड़तू पिचर सी हो जाए इसमें, टूटता भी ना। हाँ, इसमें चीज होता है ना। अरे फोन कट जाएगा ना तो। हेलो। हाँ उस्ताद। अरे भाई कहाँ है मांगे? अरे मैं होटल में बैठा हूँ, आजा तू भी, चाय पियूंगे ही एक गैल। अच्छा हैं? हाँ तुझे होटल की चाय पियाऊंगा। अरे कौन से होटल में बैठा तू आज? देवराना में, मुजफ्फरनगर रोड पे। आजा। ठीक है तो आ रहा हूँ मैं। किसका फोन था? अरे दोस्त आ रहा है मेरा, उस्ताद। ठीक है तो मैं निकलती हूँ। हाँ हाँ निकट जाना, अभी तो चाय पी ले रोटी खा के। रोटी खा के चाय जरूर पीनी चाहिए। तुम ये खाओ। मिर्च थोड़ी तेज सी डाल दी उन्होंने तो। अरे कोई सा है के, कहाँ बढ़ गए सारे? हाँ जी सर। लाली चाय लाओ दो कप। ओके सर। बढ़िया सी मिठा सा गेर दियो, ठीक सा। ठीक है सर। इस डिबिया सी में के धरा है? इसमें नमक है, इसमें काली मिर्च। अच्छा, मैं सोच रहा पाउडर वोडर धरा के दिखे। मैं निकलती हूँ, पेमेंट में देके जाऊंगी। अरे बिल तू क्यों देगी, बिल हम देंगे, हम आते रहे यहाँ, उधार भी चले है मेरा तो यहाँ। अच्छा ठीक है। और उस्ताद आज लग रहा, उसे देख के तो वैसे ही कोई ना बोलने का है यहाँ। ठीक है भाई। माल बहुत मंगा दिया। और अभी, अरे कहाँ चले गए? हाँ जी सर। भाई उठा लो जुगाड़ सा यहाँ से, अब तो पेट भी भर लिया। ये सब उठा लो और इसे साफ कर देना। ओके सर। हाँ नोरंग का रोक रहा है, तुझे पता ना इतने में हाथ छोड़ दूं मैं, हट पीछे। ओहो, अरे उस्ताद आ बैठ। और सुना के हाल है मांगे? मका आज उस्ताद को चाय पियाऊंगा होटल में, ऐसे मौके पे तू ही काम आवे, तू ही याद आवे। हाँ बहुत। और बता? और तो सब। हाँ लग रहे हैं नई झगड़े सुलझाने में, बड़े बड़े नेताओं के फोन आवे हमें। अब तो इनकी इनकी भी किस्मत खुल गई उस्ताद तेरे आने थे। हाँ चाय पियाऊंगा एक नंबर की, मीठे की कह दी थी उनते पहले ही, मका मीठा ठोक। हाँ हाँ बढ़िया करे, पत्ती रोक के सही कर दिया तेने, पहले ही बता दी ने। मने न्यू कही थी मीठा गेर दियो इसमें। मीठा ये है सर। इसमें तो गिरेगी। अरे यार पहले ही गेर लाते, तम भी लाली कुछ नहीं मजाक, पहले ही बता दी थी तुम्हें, फिर भी गेर करने लाए। आजकल देखो मारा तो दूध पड़ने थे पहले चिन्नी पड़ जाए, काम अपने आप ही करने पड़ते दिखे। ले बस झेल लेंगे इस काम को, घोल ले से। एक दो तो काम ना चले मेरा, एक से के काम चले, दोनों ही घोलनी पड़ेगी ये तो।
गरम गरम बहुत है। चाय बहुत बढ़िया बनाई उस्ताद। देखूंगा पी के। I like it. अच्छा मैं तो निकल रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है, और आ रहा हूँ फिर मैं तुझे हत्ते ही ठा लूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना, चाबी दे दे गाड़ी की। ये ले चाब। सुन, 10-10 रुपए दोनों चाय के, 20 रुपए ये दोनों भी चाय पकड़ा रहे हैं, 10-10 इन्हें भी दे दी। हाँ, है और कुछ जी करता हो तो खा लिए। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, और ध्यान से आ जाइए, मैं ना आऊं तो। आराम से जाइए। ठीक है। ए लाली। हाँ जी सर। लाली एक बात बता। जी। दो चाय के तुम्हारे 20 रुपए हुए, और 10-10 करके तुम आपस में बांट लो, मौज करो। सर ये तो 100 रुपए हैं, इनका मैं क्या करूं, आपका बिल तो 1700 रुपए है। यू, दो घूट चाय 1700 रुपए की, के भाव लगा रहे? सर चाइनीज फास्ट फूड भी था। और क्या था? एक पिज्जा था, सूप था सर, पनीर टिक्का था, और दो चाय थी आपकी। एक आदमी इतना खा गया? जी सर, एक लड़की भी थी उनके साथ में। लड़की? ओम प्रकाश के लड़की भी लाया? जी। अरे मरवा दिया, बस तुझे नहीं छोड़ने का। मैं, मेरे पे कोई 1700-1700 नहीं है, मेरे पे तो यही 100 रुपए। बिल तो पे करना पड़ेगा आपको, खाया आप ही ने। मैं कहाँ से पे कर दूंगा, मेरी खुद जेब खाली पड़ी है, मेरे पे तो यू ही है। एक्सक्यूज मी सर, ये बिल पे नहीं कर रहे हैं अपना। सर ये बिल पे करने के लिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2 चाय के 1700 रुपए, बोल रहे हैं बाकी कुछ खाया ही नहीं। सुनो मिस्टर, जो आपने खाया उसी का तो बिल आएगा। खाया तो मन्ने के खाया, क्या खा लिया मन्ने इतना? मैं कहाँ खाया, मेरे पे तो यही 100 रुपए लेने हो, ले लेना, नोरंग नाम है मेरा। जब तेरे पे पैसे नहीं थे, यहाँ इसी में बैठ कर खाना जरूरी था तुझे भिंटे से? ये बदमाशी दूर दूर तक चले हमारी, मारा नाम सुनते ही पता ना क्या हो जा। ये लो, अब ना दूं मैं एक पैसा भी। अरे मेरे पे और भी तरीके पैसे निकलवाने के, इतनी देर में हाथ छोड़ दूं। पैसे नहीं दे रहा हो रही, और जाओ इसकी तबीयत ठीक करेंगे। फंसा गया मुझे, मुझे फंसा के मौज ले रहा हूँ, छोड़ दूंगा नहीं मैं भी। चलो उठाओ इसे, लेके चलो अंदर। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे बताओगे? बदमाशी कोने में चल, नोरंग नाम बदमाश है, नोरंग तेरी बदमाशी काटेंगे। चल तो तू, छोड़ दूंगा नहीं, हम नहीं छोड़ने के तुझे, खून कत्ल करेंगे तेरा। सांप की पूछ पर नहीं, फड़पा पा धरेंगे हम तेरे। ये बर्तन धो साले, आसी सारे सारे धोने तुझे, चखू बीज घंटा सा। एक बात सुन ले, ये इतने सारे बर्तन मांजू हूँ मैं, नोरंग नाम है मेरा, नोरंग अच्छा नहीं करा चलने। ओम प्रकाश के मैं तुझे नहीं छोड़ दूंगा, तुझे जरूर देखूंगा मैं, छोड़ दूँ नहीं। तेने यारी में गद्दारी करी, मेरी यारी का नाश कर दिया तेने, मेरे पे बर्तन मंजवा रहा यहाँ, नोरंग पे, नोरंग पे मन्ना मेरठ तक करी बदमाशी, लोग थर थर कांपे मेरे नाम से, जिंदगी खराब कर दी मेरी, रुतबा सारा खराब कर दिया तेने मेरा, छोड़ दूंगा नहीं मैं तुझे, तो बिल्कुल नहीं छोड़ दू, बिल्कुल नहीं। लड़की लावे नोरंग के सामने, नोरंग बक्सवानी बक्सुनी, मेरा इलाके में नाम है, लोग दूर दूर तक जाने हैं नोरंग के नाम से मुझे, नोरंग मेरा ही नाम है, मेरा ही, सुना भी होगा, छोड़ दूंगा नहीं। शेर के मुंह में हाथ डाल दिया तेने, सब सामान उखाड़ दूंगा। ओम प्रकाश के Ah.
हेलो 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 करे जा रहा, कहाँ मर रहा है तू? मैं तो यही हूँ, तू पता ना कहाँ है। मैं तो बैठा हूँ तेरी बाट में, आजा जल्दी। आऊंगा तो जब जब यह बोरी उठेगी। क्यों, ये दुकान वाले बोरी भी ना उठवा सकते? अरे दुकान तो ले आया, रस्ते में गिर पड़ी। अच्छा? अरे तू के वहाँ अंडे दे रहा है? अरे आ रहा हूँ। ओ भैया रुकिए। हाँ बोल, क्या कहे? एक बार बोरी रखवा दिए। नुंगे था पकड़। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओम प्रकाश के, जो तन्ने मेरी गली बीज बोया ना, बक्सवानी लोंडिया लेके घूम रहा, बर्तन धो रहा हूँ मैं यहाँ, और होटल वाले, इन होटल वाले को छोड़ूं मैं साड़ू, जहाँ भी मिल के वही ठोकूंगा, और ओम प्रकाश के, तुझे तो मैं जरूर ठोकूंगा, आज तू कितनी कोशिश कर ले, लोंडिया लेके घूम रहा, और बर्तन धो रहा हूँ मैं, यहाँ, जो मन आज तेरी खाल ना तारी, मेरा नाम नहीं आज, मेरा नाम नौरंगनी, 1700 रुपए, 1700 रुपए में बेच क्या मुझे? 5 रुपल्ली की चाय 1700 रुपए में? अरे मेरा ससुरा मुझे 1700 रुपए में बेच गया, ये हालत करी मेरी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज की करता फिर है आज की, फंस रहा हूँ मैं यहाँ, होटल वालों की तो मैं बिल्कुल नहीं बख्शू, जा बेटे जोर सा मिल गया उसे ही छोड़ूंगा, नौरंग नाम है मेरा, नौरंग नहीं छोड़ूंगा, ओम प्रकाश के तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ू, तुझे तो मैं देखा मारूंगा, ओम प्रकाश के मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी मेरी कितनी बदमाशी थी, सारी का नाश कर दिया बदमाशी का, सब समान था मेरे पे, सारी बदमाशी गई, के जवाब दूंगा लोगों को मैं, ऐसे हूँ बदमाश, सब बदमाशी काट दी मेरी, तन्ने यारी में गद्दारी करी, तुझे नहीं छोड़ू, मेरा बाप बदमाश, उसका भी बाप बदमाश, उसके बाप का भी बाप बदमाश, और ये बदमाशी तुम्हें विरासत में मिली, आज सारी का नाश हो लिया, अब नहीं बख्शूंगा, मेरा बाप चिंदी, चिंदी को पता लगेगा डूब के मर जाएगा, इसलिए बदमाश बनाया मुझे, लोनियाबाजी कर रहा लोनियाबाजी, अब चिंदी का छेड़ दिया, अब देख तू, चिंदी का छेड़ दिया, अब देख के रहा हो थारा, और इन्हें होटल वालों को और ओम प्रकाश के को ठा ठा के पटकूंगा, ठा ठा के पटकूंगा, भैया लो। उतरी दर्शन देण मने, हेर दर्शन देण मने, मेरे दिल में घट क्या लाग गया, झटका साची कहूं तने, तू मेरे दिल में घट क्या लाग गया, झटका साची कहूं तने, तू बनिए सुथरी कड़े ता उतरी दर्शन देण मने, हेर दर्शन देण मने, बजा दई तन टाली रे बैरन होसन रहा मने, इन होसन रहा मने,
झूले से मैं साची कहूँ तने, मैं साची कहूँ तने। तू गणिये सुथरी कड़े ता उतरी दर्शन देन मने, हेरा दर्शन देन मने। चाचा राम राम, और सब ठीक ठाक? राम राम, अरे दिक्कत तो यही है, तू आता जाता तो इन गलियों में को कहीं दिखता ना है। डेढ़ धड़ी तेरा सारा बोझा है, दो दो बिलांदगी तेरी ये टांग है, और सारी दुनिया की गहल तू अलझता फिरे। चाचा तुझे पता जब जमुना पर लट बजा मुझे देख के भगदड़ मच गई, 5-7 को तो मैं नुई मसल दूं। अरे हमें तो पता ना जमुना पे तेरा कद लट बजा। तुम भूल रहे हो चाचा, मुझे हरियाणा की पुलिस पकड़ के लेगी, दरोगा भी जब पकड़ रहा था ना थर थर कांप रहा था, इतना भय था मेरा उन्हें। अच्छा, अरे भाई तेरे इस भय से दुनिया भयभीत होती होगी, यहाँ तो कोई है ना। अच्छा तू जा, तेरा यार तेरा इंतजार कर रहा होगा। अरे हाँ एक बात सुन, ध्यान से जाइए, वो जगमेर का कुत्ता भी गली में ही बैठा है। कुत्ता? चाचा मुझे तने काड़िया मत तक। अरे तू तो किसी से डरता ना कहियो। चाचा डरता तो मैं शेर से भी ना हूँ, पर कुत्ते से मरा सा डर सा लगे। अरे हट, चल जा परे को। अरे हाँ होटल में क्या हो गया था? बाद में कुत्ते से डरे टेढ़ हाड का, अलजा बलजा फिर जाएंगे तो होंगे। ओ गद्दार, अरे कहाँ गद्दार, हम तो यार समझे है और तने यारी में गद्दारी कर दी, नाश छा दिया तेने सारी यारी का, अरे हद कर दी तेने तो यार, और तू बाहर निकल मैं तुझे ठोकूंगा, छोड़ दूंगा नहीं मैं तुझे, मेरे आगे अच्छे अच्छे बदमाश ने बोल ले, और तू कल की लोगरी मेरे आगे बोल रहा, ओम प्रकाश के बाहर निकल मैं छोड़ दूंगी तुझे। अरे उस्ताद जी क्या हाल है का उस्ताद, आओ बैठो। अरे अरे मैं नहीं बैठता यार, हद कर दी तेने यार मुझे, मैं छोड़ के आ गया। अरे तू आराम से बात करेंगे, मैं तुझे भैया तू दूर है। अरे यार तू तो मेरा एक यार है, बैठ। यारी खत्म कर दी हमने, हम कहीं के यार। अरे यार यार ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी, तू बैठ तो सही, आज बैठ जा। हमने गद्दारी से तौबा कर। अरे यार बैठ जा। अरे कहाँ बैठू मैं, देखिए तेरे हिसाब से मुड्डी लाया हूँ मैं, समझ गया ना, बैठ। ऐसा मारवा साले ले गया अपनी। अरे यार तू बैठ। यू 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 अब बता। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं यार, गुस्सा तो मेरे में ही, मैं इतनी देर में हाथ छोड़ दूँ। ना 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 बैठ जा, होया के था? अरे हुआ के, ससुर ने वहाँ पकड़ लिया मुझे, नंगा कर दिया, पैसे मांग ले मेरे से। ऐसे मत ना अभी धर दूँ। रहम, शांत गदाधारी शांत। अच्छा अरे तो यार दो चार को तो तू पीट देता ऐसा के। अरे पीट तो देता, अरे मैंने तो हाथ छोड़ दिया हा, पर वे जब 150 हो गए तब मैं क्या करता अकेला, सालों ने बांध लिया मुझे और ठहर के नंगा करके और फिर भगा दिया। अरे मैं चलूंगा देखूंगा कैसे उस्ताद मारा नंगा कर दिया, साला हिम्मत नहीं हत्या मान लो किसी की गंगा जमुना के बीच। अरे नू तो मैं ही ना छोड़ने का हूँ ना, ये करूँ चलो ना, होश ही ना लेने दिया, हाथ तो मैंने छोड़ दिया पर साले बच गए भाग गए, मैं ही भग गया पहले तो। ठंडा पानी लाऊं? अरे पानी वानी कुछ नहीं, मारी यारी टूट ली अब। यारी यारी मारी नहीं टूट सकती तेरी। हाँ यू तो है पर तन्ना गद्दारी कर दी, चल एक बार मार तो दिल्ली ऐसा यार, माफ कर दिया चल। अब कुछ खाओगा के? लिया के है मेरी मान वाली है, तू निकट ले अब यहाँ। हाँ चलो।
और तू जल्दी आइए। हाँ हाँ चल। अरे यूके यू कैसे पड़ा भाई, देखिए एक्सीडेंट हो गया। दिखे एक्सीडेंट भी तगड़ा ही हुआ भाई। अभी नो रंग देखिए क्या हो गया। हेलो, अरे अरे कैसे के हो गया, के हो गया भैया, चोट लगी। कैसे पता नहीं एक्सीडेंट हो गया यार, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट। घबराओ मत चल हॉस्पिटल ले चले। हाँ ले चले। हाँ, भाई बैठ जाएगा मोटरसाइकिल पे। भैया बिठाओगे तो ठीक है। नो रंग उठवाइए। भैया भैया रुकिए, मेरी टांग फंस रही है। वहाँ पकड़। आराम से संभाल के। भैया मेरी चप्पल ओढ़ दे। चप्पल दे जल्दी। हड्डी टूट गई। एक यारी उठाए से, तू इसकी मोटरसाइकिल ले आइए। अच्छा इसे पकड़िए। मैं संभाल के भाई, संभाल के बैठ बैठो। पकड़ के बैठ जाइए ठीक से। घबराओ मत बिल्कुल भी। मैं बस अब हॉस्पिटल पहुंचाया था। मर गया। ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। ओहो आइए, तुम हो। हाँ मैं थारे काम दिखाई हूँ। मारे ये बता क्या करेगा तुम हो? गुंडे। गुंडे नहीं, महागुंडे। अच्छी है। हाँ कौन है तू? नौरंग को जानता ना दिखे। जानते नहीं, बता क्या करेगा। अरे जानता ना दिखे, दो बार तो तुम छोड़ दिए, पर तुम्हें आज नहीं छोड़ने का। मैं आज नहीं छोड़ू। तेरा मुंह तो ऐसा लगे जैसे हंस रहा तू। तेरा मुंह ऐसा है हंस रहा तू। फोड़ूंगा मैं तुझे आज। और तू साले भुंडी सी शकल के जार नौरंग की आगे बदमाशी। और तू जावले से मुंह के, तुझे नहीं पता ना किसके एरिया में बदमाशी कर रहा। तेरी आंख को काल लूंगा। उंगली दिखा रहा बेटे, समझ गया? ले ले लो घेरा घंटी दे कर ठालो साले मुझे मार। अब ठीक है, फिकर ना करें हैं, ठीक है ना भाई? अगर तुम ना होते पता ना मेरा क्या होता। अरे कुछ नहीं होता, तू तो यार जी छोड़ रहा। अब तू ठीक है एकदम, चिंता मत करे। ये ले तेरे, देख कागज हैं, एक्सरे और ये दवाई हैं, संभाल ले इन्हें। भाई तुम्हारा एहसान हो गया। मैं यार कोई बात नहीं, ठीक है ना? और सुन, ले ये मोटरसाइकिल मारे वाली ले जा, तू ले जा। मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अरे नहीं तू ले जा, तेरी हम दे देंगे तुझे। यार तुम्हारी दे दी हमें, ठीक है? नंबर तेरा ले लिया। अब भाई तुम्हारे होते कोई दिक्कत ना। कोई दिक्कत नहीं, चल। और फोन कर दिया एक बार घर पहुंच के। ठीक है, बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है? बहुत धन्यवाद। कहाँ रह गया यू यार, यू भी। अरे कहाँ रह गया यू उस्ताद चिंदी? आई हैं भाई। अरे उस्ताद यू के होया? छोड़ मनी, गुंडे से भिड़ंत होगी। क्यों होया रे मोहन? अरे तीन आदमी एक इसे तोड़ रहा ढंग से, मुझे देख कर भाग के। मैं तीन पे पीटने वाला हूँ, 30-40 है। जब मेरे लगे मुझे 30-40 सीख रहे थे। अरे तो चार को तो उस्ताद सुनी हुई मसल दे, के हो आज? वह मैं मार तो देता हुए 30-40 है। जब मेरे रैप के लगे मुझे 30-40 दिखे हुए तो कहा मार दिया के? मेरी सारी पसली तोड़ रखी है। भाई आज तो हद कर दी, ओक तोड़ दी। तू चिंता मत करे, मैं देख लूंगा सब। एक काम कर लिए, जो तुझे मिल जाए साले को पीट दिया। अरे पीटेंगे पीटेंगे, तू चिंता मत करे, तू तो शेर आदमी है यार। आई 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 हाँ मांगे। हेलो, सो गई थी के? हाँ पढ़ते पढ़ते सो गई थी। अच्छा, तू तो कह रही थी छुट्टी पड़ गई। अरे अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना। अच्छा तो मैंने तो गलती कर दी थी, खैर तू जगा दी। अरे तो क्या हुआ, मैं तो वैसे भी उठने वाली थी और चाय पी के फिर पढ़ने लगती। चल ठीक है तो पढ़ ले। और कोई बात नहीं, इतनी रात को फोन किया है, बताओ कैसे याद किया? अरे यार मेरा मिलने को मन कर रहा है। इस वक्त रात को? हाँ। रात को मिलने का मतलब पता है क्या होता है? अरे मतलब ना पता मुझे, बस मेरा मन कर रहा है, बता कहाँ मिलेगी, आ रहा हूँ मैं।
पागल हो क्या? रात में आकर के तुम क्यों मुझे बदनाम करते हो और क्यों खुद बदनाम होते हो? हम कल दिन में मिलेंगे। कहाँ? पंचमुखी मंदिर में मिलूंगी। अच्छा, किस टाइम? 8 बजे। 8 बजे? हाँ। पक्का? पक्का। अच्छा यार, पर ये 8 कैसे बजेंगे अब? चल एक काम करिए, मैं जाग रहा हूँ और फोन भी ऑन है, बीच बीच में कर लिए। ठीक है बाबा, मैंने आपकी बात मान ली। मैं पढ़ती भी रहूंगी और बीच बीच में आपसे बात भी करती रहूंगी। ठीक है? ठीक है। अरे हो लिया तैयार? मैं किसी जरूरी काम जा रहा हूँ। अरे तू मुझे मंदिर छोड़ दे, फिर चला जाइए। आज कौन सा सोमवार है, तू यू लोटा ठाके खड़ी होगी? पिताजी के परेशानी सी रहे, वो चूरन बना ले। ए ज्योति। हाँ मम्मी। ए कौन सा दिन आज? सोमवार है मम्मी आज। देख ले कैसा बहका रहा मुझे। अरे तुम सब कंफ्यूज हो, सोमवार ना है आज। तू ज्यादा बात मत बनावे, मुझे छोड़िए मत तक। एक आध बार पैदल भी चली जाए कर, वो मुरारी पंडित रोज पैदल जावे। अरे मेरे घुटने में दर्द रहे, ना चला जाता पैदल। चल जल्दी बैठ, कोई कितना ही जरूरी काम जा रहा हो, इनके मंदिर में पड़े रहे ना। तू बहुत देखने जा रहा, छोड़ दे, लाता तो है ही ना, छोड़ दे, वाई भी जोर पड़े हैं। आजा तू भी। अरे जा तू। देख छोड़ के मत भाग जाइए आज। मैं यहीं हूँ, चली जा। हाँ यहीं खड़ा रहे। कहाँ चली गई? आई भी है कि ना आई? माँ भीतर चली जा तो ये आप ऐसे आ जाइए। हाँ मांगे। अरे तू तू आ गई? मैं तो रस्ते भर डरता आया, कहीं आग गई खड़ी ना मिले। मैं तो माँ को लेके आया अपनी। क्या? हाँ। तुम्हारी माँ ही? हाँ। मैं तो जा रही हूँ। अरे मैं चल रहा हूँ ना। फिर उन्हें कौन छोड़ेगा? अरे वे तो आवे आवे, जाने की लाख बार कह ली उनते, पर वे जावे अपने आप ही हैं। अच्छा चलो। चने खाओ। अरे चने तो मैं खा लूंगा, पर लोहे के मत चबवा दिए मेरे पे। मांगे तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और मैं तुम्हें लोहे के चने चबवा रही हूँ क्या? अच्छा चल ठीक है। और जो है हमारी गाड़ी सी चल दी है, इसे रोक के मत खड़ी हो जाइए, चलन दिए। वो तो ठीक है, पर तुम पीछे मत हट जाना। अरे मैं क्यों हटूंगा, और भूख लग रही हो तो रेस्टोरेंट ले चलूं। ना ना भूख ना लग रही। अच्छा भैया का फोन। हाँ भैया। रूपाली कहाँ है? भैया मैं तो कॉलेज हूँ। रूपाली तेरे से काम है, तेरे साइन कराने, कहाँ मिलेगी तू? अच्छा ठीक है भैया, मैं ना कॉलेज से निकल के शुक्रताल घाट रोड पे मिलूंगी। ठीक है तो आजा फिर, मैं वही मिलूंगा, इंतजार कर रहा हूँ तेरा। ठीक है भैया। अरे दोनों फोन सलाह करके आ रहे हैं कि अब मेरा आ गया। हाँ हेलो। अरे कहाँ है जवान? अजी यही हूँ, बताओ के बात थी। बात तो कुछ नहीं, थारा वाला पटवारी जो है वो बदमाशी दिखा रहा। के कहवे? दो खेतों का खसरा नंबर गड़बड़ हो रहा। हाँ जी। वो सही कराना, 1000 रुपए मांग रहा, उसके बाद एक नई बात और बता रहा, कह रहा है कि सारे परिवार के नाम चढ़ेंगे। तुम कहाँ हो? तहसील में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। ठीक है भाई आजा, मैं यहीं बैठा। ठीक है। क्या बात है, बड़े प्यार से बात कर रहे थे, किसका फोन था? तेरे बापू का। मतलब? अरे एक बुढ़ा है मेरे मिलने वाला, उसका फोन। अच्छा अच्छा मैं चलती हूँ, भैया का फोन आया, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, चल ही रहे हैं अब तो।
छोरे ने भी मेरा खून पी लिया। बहुत दुखी होली इससे। आगी मम्मी आप? के आली, बनियों के बाग से पैदल आ रही हूँ। बुरी हालत हो रही है मेरी। क्यों, मांगे ना था माँ? के करूँ मांगे का, गेट पे छोड़ के मंदिर के सपा गया। इसकी तो पता ही ना चलती कहाँ जा आई हो। तुम बैठ जाओ मम्मी आराम से, आ जाएगा जब आओगा। ले तू नू बता, खेत पर रोटी जावेंगी के ना? ना मम्मी, वे आने वाले हो रहे अब। चल तू मैंने एक कप चाय बना ला। हाँ मैं ला रही हूँ। घुटने में दर्द हो रहा, घर के तो काम इस पर होते ना, पता ना कौन से ठेके ठाए रखे है बाहर के, दिन भर बाहर ही घूमे जा। हाँ यू बढ़िया है, लव स्टोरी थारी चल रही। और होटल में बस्चन मांझता फिर रहा हूँ मैं। अरे ओम प्रकाश के बाहर को आई है? अरे यार मर जा, चुप बोले। है इस गांव में कोई मर्द जो नौरंग को चुप कर सके? तू मरवाओगे के सब यही हैंगे। बाइक मारी टूट रही, पेट्रोल मारा खत्म हो रहा, पहले 100 रुपए दे। अरे यार मैं तुझे 150 दे दूंगा, पर तू चुप हो जा। और हाँ, बारात जान को हो रही और हमें पता ही ना। अरे यार कोई बारात ना जा रही, चुप हो जा, मैं तुझे सिगरेट पियाऊंगा, रुक तो सही। तू तो यार तूफान हो रहा है, देख पीछे पिताजी। अरे ओ चिंदी के, क्यों रंबान लग रहा, किस और मचा रहा भाई? कुछ ना, आज अच्छा ही हमारी आपस की बात। अच्छा, यू पाऊ में के जरक सा हो रहा तेरे, क्या हाल है? एक्सी आ गई भाई, चोट सी लगी। अरे चोट लगी, हमने तो सुना टांग टूट गई हो। टांग ऐसी टूट है, जबरदस्त झगड़ा हुआ। अरे कहाँ हो गया झगड़ा? अजी हाईवे पे हजूम जुड़ गया, उधर पुलिस वाले ने जाम खुलवाया आके। अरे हम टांग की पूछ रहे, तू इस हाईवे में जा उलझा। अजी 30-35 से मार गए चोट। अरे तेने कितने मसले? मन्ने, अगर पुलिस ना आती तो मैं सारे को ना मसल देता। अरे रामकिशन का पोता तो नू बता रहा कि 2-3 बालकों ने तेरी कुकड़ी सी बतोड़ दी गई हो। अजी तुम भी किस किस की मान लो। अजी तो अगले दिन अखबार में भी आई कि 30-35 बदमाश से अकेला नौरंग लड़ा। भाई नौरंग, मैं नू कहूँ लांडा ही खा कमाल है। अजी तुम्हें ना पता, इस इलाके में तूती बजरी है मेरी। अरे हमें तो यूं ही ना पता, तेरी तूती बजा कौन रहा? अरे तू चुप क्यों खड़ा, बताई ना। हाँ इस पे हाँ और करवा ले, जिब लो यो इंगे निंगे कहीं छिदेगा ना, तब लो यू भी ना बैठने का। हाँ भाई, अब क्या प्लान है आगे? अरे प्लान व्लान कुछ ना है, इसे कुछ काम है, तू अपने घर जा। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, आजिए। अरे चिंदी ठीक है भाई? हाँ ठीक है, तू सुनाओ प्रकाश। अरे सुनाना क्या है, अपने इस लोंडे को तू थाम ले। लोंडा पुलिस पे तो थम नहीं रहा, तू उसे थमवाना आया, तू थाम देगा उसे। अरे हमारी बात छोड़, हम तो थाम ही देंगे। तू थाम देगा उसे, उसकी वही मेरे वाली आदत है, वो ना डरता किसी से, बिना पूछू किसी की टेक दे भसरे पे। उसने तो दरोगा तोड़ दिया परसों गिर के। अरे दरोगा से कम किसी को पिट्टो हो क्या तुम? आदत है हमारी खून में रमरी। और बता। बस भाई मैं तो समझा लिया, तुझे बताना आया था। चल तो ठीक है। नोरंग ना मानने भाई, ये तो चिंदी ना मानने। कैसी हो रूपाली? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी अच्छी हूँ यार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम फोन में बिजी हो। अरे नहीं यार, बस ऐसे ही। और बता एग्जाम की तैयारी कैसी? मेरी अच्छी चल रही है, तुम्हारी कैसी चल रही है? हाँ मेरी भी अच्छी चल रही है। यार तू मेरे बर्थडे के बाद से कुछ बदली बदली सी लग रही है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही है मुझे। अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, तुझे ऐसे ही लग रहा होगा। यार तुम फोन में बिजी हो रही हो, दिखाओ मुझे क्या देख रही हो। अरे नहीं बोला ना ऐसे कोई बात नहीं है। यार तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। यार रिचा मैं तुझसे क्यों छिपाऊंगी, बता ना, ऐसी कोई बात नहीं है सच में। यार नेहा का भी चक्कर चल रहा है, मैंने उससे पूछा नहीं है, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना इसलिए। अरे यार छोड़ ना इन बातों को, कुछ और बात करते हैं। यार बता ना तेरी लाइफ में कौन है? अरे तू उसे जानती है रिचा, बहुत अच्छे से जानती है। कौन है? मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पक्का पक्का पक्का। भाभी तू भी अकेली पूरे दिन लगी रहे हैं, कदी लत्ते धोने, कदी रोटी बनानी, झाड़ू मारना, पोचा मारना, न्यार करना, तुझे भी कोई आराम नहीं। पर तुझे क्यों इतना तरस आ रहा, कुछ खर्चा पानी चाहिए या कुछ कांड करके आया आज? ना ना मैं कोई कांड करके ना आया, मैं तो न्यू सोच रहा था अब तेरी एक काम वाली ला दूं। काम वाली? हाँ काम वाली। कौन है?
है एक बुजुरी थी मेरे ते। है पर कौन है नू तो बता मुझे। बता तो मैं दूंगा पर तू राख लेगी क्या उसे। भला यह बात मैं कैसे बता सकूं, यो फैसला तो मार पिताजी तो करेंगे। या तो मुझे पता फैसला मार पिताजी करेंगे, पर तेरी भी तो कुछ पसंद ना पसंद होगी, तू भी कुछ सपोर्ट करेगी या ना। अच्छा नुई मस्का मार रहा था तू, तू साफ साफ बता बात के है। अरे मैं साफ साफ ही बता दूंगा, एक छोरी है मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है तो तेरे भाई से बात कर लूंगी मैं आज। उससे ही तो बात ना करनी, वो है ढोल, वो तो बीबीसी ब्रॉडकास्ट कंपनी है, एक बात पता चली नहीं पूरे गांव को पता चल जाएगी, पूरे गांव को थोड़ी पता चलवानी है, तेरा सपोर्ट चाहिए बस। उन्हें ना बतानी फिर करना के है। करना यू है तू उसे एक बार देख ले, जो तन्ने पास कर दी तो फिर सारी पास है। पर मैं कहां देख लूं उसे। अरे यू जुगाड़ तो मैं करूंगा ना। अच्छा ठीक है तो फिर देखते है। हाँ हाँ बस हे भगवान तू पास कर दे उसे। ठीक है। अरे वाह सही टाइम पे मिल गई। पीछे मेरे गांव के लोग बैठे हैं, कुछ बोलना नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अरे यार एक जरूरी काम था। मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकती, गांव के लोग यही में जा रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अब बता तू क्या कह रहा था। अरे भाभी ते मिलवाना तुझे। अरे मैं ऐसे कैसे मिल सकती हूँ। अरे ऐसे कैसे कि मैं कोली भरवा के मिलवा रहा हूँ, मिल ली एक बार तू। ना ना मैं ना मिल सकती। अरे यार वहाँ अरेस्ट ना करवा रहा, बात तो समझ तू, मिलना है। मांगे तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों ना कर रहा, मेरी प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम तेरी की है, प्रॉब्लम तो मांगे की है। देख आज मेरा लास्ट कॉलेज है, उसके बाद फिर कई दिन की छुट्टी है, फिर मैं कॉलेज ना जाने वाली। अरे तो आज आओगी तो सही। अच्छा ठीक है बता कहाँ मिलना है। वहीं मिलेंगे धोली प्याऊ पे, वहीं ठीक है, और स्टैंड भी है और चाय की दुकान पुकान सी भी है। हाँ धोली प्याऊ पे क्यों, तू मेरे घर के गेट के आगे आके मिल ली, वहाँ मेरे गांव के 100 आदमी खड़े रहे हैं। अरे तो वहाँ न्यू थोड़ी कह रहे हैं किसी तरह की, यहाँ सगाई चल रही है, यहाँ देखा दाखी हो रही है भाई, खड़े रहेंगे। भाभी तुझे देख लेगी, तू भाभी को देख लिए, वहाँ पता चल रहा किसी को। चल ठीक है मिल लूंगी। हैं ठीक है ठीक है। हाँ बाबा ठीक है, तो ठीक है ना, देख लिए तू, कोई दिक्कत ना बन जाए। अरे तू चिंता ना करे। अरे मारो के। अरे यू तो हमारा रोज का काम है। आज जरूर कहीं जाम लग रहा ना, अब लो तो 2 टेम्पो आ लेते। कोई बात ना आ जाएगा। हाँ तो जागी, और जाओगे तो आज मिलके ही, जब आए हैं तो चाहे लेट हो जाए। कोई बात ना तू खड़ा रहे, आ जागी आ जागी। आ तो रहा एक टेम्पो, इसमें ही होगी जरूर। नमस्ते जी। नमस्ते, तो क्या नाम है तुम्हारा। रूपाली। कौन सी क्लास में पढ़ती हो। एमए में पढ़े। अरे तू चुप हो जा, मैं इस तरह बूझ लूं। हाँ हाँ तो तुम दोनों बात कर लो, क्या करनी है। कौन सा ईयर है तुम्हारा। एमए फाइनल है। अच्छा भाई लड़की तो सुंदर है। अच्छा तो मैं चलूं। अरे अभी कहाँ जावे, कुछ फाइनल तो हुआ ही ना। फाइनल है बस, मुझे लड़की बहुत पसंद है। अरे तो मजा आ गया, लटकट गया, भाभी को भी पसंद है। अच्छा मैं चलती हूँ। शर्मा गया तो चले। अरे वहाँ उसके घर ही जागा के हमें इंगे जाना उंगे ना जाना। तन्नका सम खा ले, आज छोड़ कर मत चला जाइए, मुझे लेके ही जाइए। हाँ मैं ही बैठा हूँ, कदना लेके गया।
अजी बहन जी सुनो। हाँ जी। यो जो लेके आया यो छोरा थारा ही है के? हाँ मेरा ही है। क्या कर दिया इसने? करे कुछ ना, बहुत अच्छा छोरा है। मैं जानू इसे कितना अच्छा। माँ बाप को तो यूं ही लग गए कितना अच्छा छोरा हो। बोबो कौन से गांव से हो तुम? बेटा गांव के बहन हम तो। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। क्या? यो थारा छोरा ना मने बहुत पसंद है और मारी छोरी की अम्मे होने वाली है, तो कहो तो ब्याह की बात कर ले। ए बहन मैं कैसे कह सकूँ उसके ब्याह के बारे में? उसके पापा से पूछूंगी, लड़के से पूछूंगी, सलाह मिलाऊंगी, जब तुझे कुछ जवाब देऊंगी। वो तो ठीक है, तब एक बार मारी छोरी देख लो। भाई मैं छोरी ऐसे कैसे देख लूंगी अपनी मर्जी से? तुम बताओ मंदिर में फिर कब आओगी? मैं तो हर सोमवार आऊँ। ए बोबो अगले सोमवार को मैं अपनी बेटी को मंदिर ले आऊंगी, तुम उसे देख लेना, फिर तारा जिक्र है वैसे कर लेना। जैसी भगवान की मर्जी बहन। मैं यूँ कह रही हूँ रूपाली की इस साल एम में हो जाएगी, उसके ब्याह के बारे में भी सोच लो। तू ठीक कह रही है, छोरा है मेरी निगाह में। एक छोरा बढ़िया सा मेरे भी समझ में आ रहा है, आखिर छोरा बढ़िया है। अरे तुझे क्या पता छोरों की, वो छोरा इतना बढ़िया है किसी भी काम को कह दो आधी रात चलाता है। ईमानदार तो इतना है 1 करोड़ को भी हाथ नहीं लगाता अगर कहीं पड़े हो। और बताऊं मुझे तो लगता है अपन को दहेज भी देना पड़ने का। अरे उस रूपाली से तो पूछ लेते आप। अरे उससे के पूछना, जब तेरे बापू ने तेरा ब्याह करा था तब क्या तेरे से पूछा था? वो तो टाइम ही सही था, किसी के भी पीछे बांध देते थे। हाँ तो तू मेरे पीछे नहीं बांध रखी है। मैं यू कह रही हूँ वो टाइम कुछ और था, यो टाइम कुछ और। अरे ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं है, जाकर तू काम कर ले। चाची राम राम। राम राम, आज तेरा इंतजार कर रही हूँ मैं आज। कैसे री? यू कैसा हो रहा है तेरा मुँह सूजा सा, गुटका खा रहा क्या? इसे थूक का चल, जब बात करिए मेरे से आके। अरे झगड़ा हो गया था, मुँह सूज रहा मेरा। अच्छा तू नहीं झगड़ा करता फिरे जा, सही सुना मैंने तेरे बारे में? तू बिट्टा सा लड़ाई बहुत करता कहिए। अरे बदमाश है हम यके। एक बात बता, तेरा मांगे पे कुछ चाहिए है क्या? अरे चाहिए तो कुछ ना, पर मैं यूँ चाह रहा हूँ के मांगे भी मेरी ढाल कुछ निखारी सी पे आ जा। अरे मैं सब जानू तेरी निखारी, तुझे टिंडे से कोई ऐसा फोड़ के धर देगा तू याद रखेगा। अरे अभी तो कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ ना जो सांप की पूंछ पे पांव धर दे। हाँ तू ऐसा अजगर हो रहा है जो तेरी पूंछ पे किसी का पांव ना टिके। अरे एक बात बताऊं, जब कोई बात हो जा ना मैं आदमी की छाती में लात मारूं उछड़ के। बकवास तो ज्यादा करा ना, तेरे छाती तक तो हाथ जाते ना, तू मार देगा लात। अरे चाची तो छोड़ इन बातों को, यू बता हमारा यार कहाँ है? हाँ यार को भी बिगाड़ दे अपने जैसा ही। अरे मुश्किल से तो आज मन्नू किसी काम पे भेज जा, तू उसे अपनी गैल मत लगावे, तेरी टांट तो कोई फोड़ेगा तू उसकी भी फोड़वा देगा गैल में। ठाके ना पटक दूँ साले वो। जा थर तो देख ले अपना, डेढ़ हट्टी ना ठाके पटक देगा तू। अभी तक तो किसी की हिम्मत हुई ना। अरे जा तू अपना काम कर ले, जा जा रहा हूँ मैं। राम राम। उसे मत आकर बुलाना। ओ बच्चे कैसे खड़ा है? अरे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जरूर कुछ कांड है आज जो यहाँ खड़ा आया। अरे मांगे, अरे मांगे सुनिए भाई, सुनो सुनो सुनो। हाँ सुना भाई राघव, और सुना के हाल है? मैं तो ठीक हूँ, चल घर चल रहा है। अरे यार मैं तो भाई की गैल बाजार में जा रहा हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं आकाश। अच्छा अच्छा ये बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, चलो आपसे मुलाकात हो गई। आप कहाँ से हो? आपके गांव के बराबर में ही है। अच्छा मांगे मैं तो घर हो गया है? पता चले तू यहाँ आया, बहुत जरूरी काम है, पहले तू मेरी गैल चल। अरे मैं आकाश की गैल जा रहा हूँ बाजार में, मुझे भी जरूरी काम है, पहले मेरी गैल चल। ज्यादा जरूरी है के? हाँ मैं बीरू की दुकान पे मिल जाऊंगा, तू आ जा। ठीक है चल ठा दे। भाई साहब आपसे एक जरूरी बात करनी थी, जरा साइड में आ जाते, आओ ना भाई। यही रोक लो बस, यही है। भाई आपसे एक बात करनी थी। कहो। मिले तो पहली बार है, अच्छा सा भी ना लगता, पर बात कुछ ऐसी कहनी पड़ रही है। मेरी बहन है। अच्छा एमए में पढ़ा है।
फिर और जो थारा मांगे है ना वो भी हमें अच्छा लग रहा। अच्छा, अगर इन दोनों का ब्याह हो जावे तो कैसा रहेगा? बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, पर एक बार मम्मी पिताजी से तो बात कर लूं। वो बात तो आपकी सही है कि बड़े बुड्ढे ही फैसला लेंगे। आप एक बार चाहो तो मेरी बहन को देख लो और काम को करवाई दियो। चलो भाई देख लेंगे, जैसा भी होगा। ना देखना नहीं, ये काम तो तुम्हें करानी है, तुम्हारी मेहरबानी हो जाएगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, पक्का। ठीक है तो। अरे वो मांगे, तू चाचा चाची को क्यों ना बताता कि मैं के चीज हूँ? अरे उस्ताद वे क्या जाने तू क्या चीज है, वे मुझे ही नु कहते रहे। तू चिंता मत करे, एक दिन तेरा बहुत बड़ा नाम होगा, नोरंग सनोप चिंदी उर्फ मुसल सांडा। नाम तुम्हारा भी है, अच्छे अच्छे बदमाश की फटे मारते। अरे तू तो वही जो मांगे साथ रहे। मैं मांगे गल रहा हूँ, मांगे मेरी गल रहे। अरे चल जो भी है, मांगे घर बताइए, उसके पिताजी से मिलना। हाँ बता दूंगा, चलो चलो। पर हाँ चाचा तो यही बैठा, घर जाने की जरूरत ना, यही बता दूंगा, आ जाओ। भाई दरोगा जी तुझे कितनी बार कह लिया मैंने, अरे इसे मांगे को कहीं अलजवा दे, इसे दिल्ली पुलिस में भर्ती करवा दे कहीं को। मुझे तेरे लड़के का पूरा ध्यान है, जैसे ही भर्ती निकलेगी करवा दूंगा, चिंता मत करो। अरे तेरे रहते चिंता तो कतई ना है, पर एक बार यू कहीं भर्ती हो गए तो मैं भी गंगा सिन्हा आ जाऊंगा। हाँ या का यहां तो पूरा मुझे करा दूंगा, चिंता ना करना। लो जी ये बैठे चाचा तो। अच्छा अच्छा, राम राम जी। राम मैं रघुनाथ सिंह, रघुनाथ। अच्छा बैठो बैठो जी बैठो। अरे नोरंग तू कहां चल दिया? मैं फेर मिल लूंगा, मुझे कई फैसले करने आज, कई पीठ नहीं। बताओ भाई, आदमी ना आदमी की जून, यू डेढ़ बिलान का यू ही लेना पड़ता। अरे चिंदी का दिखे। हाँ उसी का तो यो। हाँ अरे यू तो ऐसा ही है। हाँ ठीक है, तुम लोग बात करो और मैं चाय बनवा लाऊं। चलो बनवा लाओ। और सुनाओ जी कैसे आना हुआ? चौधरी साहब जो आपका बेटा है मांगे, वो मैंने देख रखा है और मुझे पसंद भी है, मैं उसके रिश्ते की बात करना आया हूँ, आप भी किस दिन आके हमारी लड़की को देख। ठीक है जी, फिर मैं एक दिन आ जाता हूँ और जोड़िया संजोग होगा तो रिश्ता यहीं हो जाएगा। ठीक है चौधरी साहब, किस दिन टाइम सा निकाल कर आ जाओ। और मेरी लड़की जो है MM पढ़ रही है और जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, और लड़का तो मैंने आपका देख ही रखा है। ठीक है जी, ऐसी बात है तो किस दिन टाइम सा काट के मैं वहीं आ जाता हूँ फिर। हम तुम तो बहाना है, ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी से हो खेल जी। जी चोई साहब। चाय तो मैंने बनवा दी। अच्छा अच्छा, चाय पियो। एक बार घर भी चल के देख लेते। बस चोई साहब कोई बात नहीं, आपसे मिलना था आप मिल लिए, फिर कभी घर भी आएंगे। अभी क्या जल्दी है, चाय पियो, मैं खाना वाना बनवा दूं। नहीं बस रहने दो, मिले चोई साहब से वही काफी। छोड़ो रहन दो। भैया। हाँ भैया। हाँ रूपाली कहाँ है? हाँ हाँ भैया मैं रिक्शा में हूँ, धौली प्याओ पे उतरने वाली हूँ। अच्छा एक काम करिए, तुम मुझसे मिलकर जाइए, यहीं बैठो मैं स्टैंड पे। जी भैया ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो भैया। देखो रूपाली भी आ गई, ये है मेरी बहन। हाँ भैया बताओ क्या बात थी? मैं तो वैसे पूछ रहा था कॉलेज से आई या नहीं आई। अच्छा आप चल रहे हो भैया घर? हाँ ना ना तू चल, मैं आऊंगा। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है भाई, मेरी तरफ से तो पक्की है। बस तो तुम बात कर लो, बात कर लो तुम। ठीक है पक्की है। ठीक है भाई। लो चाय।
सुन कहाँ जा रही? के कहो हो? यहाँ बैठ। लो बैठ गी, मुझे झाड़ू लगानी है अभी। तेरी झाड़ू लगाने का ही तो जुगाड़ बठान लग रहा हूँ। कल मैंने एक छोरी देखी, इतनी सोनी छोरी मुश्किल ते पावे, और वे ब्याह करने को भी राजी हैं। किसके ब्याह की बात कर रहे हो तुम? अरे उस मांगे का, पूरे दिन हंडे जाओ उस बाटसे की गैल। वो बाटसा किस दिन अपना आप तो कुटेगा, इसका और इंधन उठवा हुआ किस दिन। जिसके ब्याह की बात कर रहे हो ना तुम, उसने कोई और पसंद कर रखी है, लव मैरिज करेगा वो। लव मैरिज? लव मैरिज? हाँ। और पिताजी हो जाने देंगे उसका लव मैरिज, हम करेंगे इसका ब्याह। किसका ब्याह कर रहे हो? अरे तू लव मैरिज कर रहा कहिए। हाँ तो की दिक्कत है? सारी दिक्कत ही दिक्कत है। बहुत बढ़िया भाई, हमने तेरे ब्याह में सारा काम करा, मेरी चप्पल भी नहीं आई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तुझे हमारी लव मैरिज से दिक्कत हो रही है। अरे मेरा के लव मैरिज हुआ हा? अरे तो कर लेता मैं कदनाट्या, मेरी लव मैरिज में कुछ हेल्प होती हो तो कर देना, तो आराम से बैठ। बैठन दे तू आराम से। अच्छा मैं तुझे क्या कह रहा हूँ। अरे देखिए चल के कैसा रोला सा हो रहा है। पता ना कैसे रुक के मचा रहे हैं ये। इससे और बूझ ले किससे लव मैरिज कराता यू। तेरा तो होना रहा, हमें और फंसवा दे, मारी और राड करवा दे तू। मैं के राड करवा रहा हूँ? तू ही तो करवा रहा है। अरे के राड हो रही भैया? अरे के बात होगी? हाँ बताऊंगा। राड के होती पिताजी, यू कर रहा लव मैरिज। अरे भैया हम ना करें मैरिज होम में, हम तो अपने घर में करेंगे, जैसे तेरा करा टेंट लगा के, बहुत खर्चा आ जा मैरिज होम का। ए मैरिज होम, यू कर रहा अपने आप ब्याह, यू ला रहा बहू, इसके ब्याह में थारी मारी जरूरत ना है। अरे मांगे तेरा नु धरती पे पाँव ना टिकता, नु घर से बाहर भाग कर फिरे जा तू। ऐसी छोरी देख रखी है मैंने, जैसे पत्थर में से फोड़ के निकाली हो, और तेरी आंख देख के फटी की फटी रह जाएंगे। हाँ थारे पे और तो कुछ होवे ना, मेरी आंख जरूर पटवा दो तुम। माँ इसके फूट रहे भाग, एमए में पढ़ रही इतनी सोहनी समझदार छोरी मैं देख के आया हूँ। हाँ तू देख के आया, ऐसे बोल रहा है जना सर्कस में देख के आया हो। अरे मेरा ब्याह हो रहा है, मेरे ते ही ना बूझ रहे। भाभी तन्ने भी कोई देख रखी हो तो तू भी बता दे, तो सब एक एक छोरी देखू बैठे हैं। हाँ अरे ओ मजनू, तुझे पता है लव मैरिज करने वाले का हाल क्या हो? मुझे तो ना पता, तुम्हें पता है तो तुम बता दो के हो। अरे तेरी ऐसी की तैसी ज्यादा बोलन लगा। अरे तेरी किस्मत खुल जाएगी जब तुम्हारी मान ले। हाँ किस्मत तुम खुलन दे रहे हो, किस्मत का ताला तो तुमने ऐसे जकड़ दिया, अब उसे काटन वाला नहीं है कोई। सारे ब्याह तय कर उफरे हैं। अरे अब तो पहले कहाँ थे तुम? अरे ब्याह टाइम पे ही तो हो, हमें थारे टाइम का ही ना पता चलता कद होगा टाइम। तुम यूं टांग सी ना अड़ाओ तो मैं अपने आप कर लूंगा ब्याह। अरे तेरी दही मांग रही लठ। अरे जो तू ये लव मैरिज कर रहा, लव मैरिज किसी की कामयाब होती देखी तेने? चार दिन में बहू भाग जा, ये चिंदी के रीति रिवाज इस घर में ना चलने के। इसमें उनका क्या मतलब है? अरे हमें सब पता, तू किसका पढ़ाया बोल रहा, उनके बगैर ना हिल रहा इस घर में आज पत्ता। उनका क्या मतलब है इस बात से मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हर बात को घुमा फिरा के तुम उन पे घेरो, उन्हें तो बेचारों को कुछ पता भी ना है। हाँ उन्हें ना पता है, घर का करा दिया हमारे नाज उस चिंदी के ने। तुम घुमा फिरा के हर बात उनके ऊपर ही क्यों घेरो, उन्हें तो बेचारों को कुछ पता भी ना है। यू जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी तो हो रहा है। ओ मर्जी, इस घर में बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं होगी, एक से लाख लो नहीं होने की। इस घर में जो होता है वो ही होगा, कोई नए रीति रिवाज इस घर में ना चालू होंगे इब्जा। हाँ ठीक है चलाओ तुम अपने रीति रिवाज। यू मांगे क्या करके रहेगा, और किसी दिन यू बहू ले ही आया तो क्या करेंगे फिर, इस गांव समाज में मुंह दिखान लायक ना रहने के हम। और छोरी का बाप तो बुला के गया ही है, लुंडी क्यों ना देखिया वे। यू मांगे अपने आप में ना, यू किसी ना किसी के भकाए में है, किसी को क्या बताया जा। एक काम कर आज चल, लुंडी देख के आवे पहले, यू ही ठीक रहेगा। यू ही ठीक रहेगा भाई, यू काम भी निमटावे। ले भाई, अरे हाँ भाई। हाँ जी। यू खानपुर यू ही है क्या? खानपुर हाँ जी, इंगे को जाएगा, निंगे को चले जाइयो, और आगे एक भूमिया पड़ेगी। अच्छा। और उससे सीधे हाथ को चले जाइयो,
अरे कितनी दूर पड़ेगा यू यहाँ से, यू और बता दे तू मुझे। 1 किलोमीटर पड़ेगा जी बस। अच्छा भाई, ये लो भैया पैसे। लाली जी, अंकल जी कामपुरी जा रही है? हाँ जी। अच्छा, हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा जी, चलिए। अच्छा एक बात तो बता लाली। हाँ। यहाँ एक रघुराज जी हैं, इन्हें भी जानने हैं क्या? रघुराज जी? कौन से रघुराज? अरे उनकी एक लड़की जो एमए में पढ़े। अच्छा, कुछ काम था क्या आपको? हाँ, उनकी लड़की देखने जा रहा, अपने लड़के के लिए। अच्छा, वो रघुराज एक नंबर का क्रैक है। क्रैक? अरे उसका तो पूरा खानदान क्रैक है। उसकी बीवी क्रैक, उसका लड़का क्रैक, और उसकी लड़की, वो तो इतनी बड़ी पगलेट है, इतनी बड़ी पगलेट है, कई सारे लोगों का तो सिर भी फोड़ चुकी वो। क्या क्या कह रही लाली तू? मैं सही कह रही हूँ अंकल? मैं तो आपसे ये कह रही हूँ, आप उसके घर मत जाओ, आप अभी के अभी ऑटो पकड़ो और अपने गाँव वापिस चले जाओ। लाली जब इतनी दूर आ लिया होके तो जमा ही मैं। तू एक काम कर दे, तू मुझे उनके घर का राह बता दे। अंकल आप ज्यादा ही कह रहे हो ना, तो ये जो आगे गांव आने वाला है ना, अब सीधे गांव में जाइए। हाँ। और उसके बाद आप सीधे हाथ को हो जाना। ठीक है। एक घर आएगा। ठीक। उसके पीछे एक मंदिर है। ठीक। मंदिर के बराबर में एक गली है। हाँ, गली हाँ। के बराबर में झोड़ है। हाँ। और झोड़ के पीछे वाला घर उनका ही है। मंदिर, झोड़, घर। लली मैं तो किसी से पूछता पाछते ही चला जाऊंगा, तेने तो सारा मामला ही अलज पलज कर दिया। अच्छा अंकल, अब अगर आप मान ही नहीं रहे तो आप एक बात ध्यान रखना, उसकी मम्मी इतनी बड़ी पागल है ना, कि वो आदमी को देख के चोर चोर करने लग जाती है, उसके पीछे पड़ जाती है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। हाँ, क्यों है बेटी? मम्मी। हाँ? के बताऊं, गांव में एक लंबा चौड़ा पागल आदमी घुस गया। अरे जब मैं कॉलेज से चली थी ना, तो अनाउंसमेंट हो रहा था कि एक पागल आदमी पागल खाने से भाग गया, और जब मैं गांव में पहुंची तो पता लगा वो तो हमारे गांव में ही बढ़ गया और घर घर में बढ़ता ही जा रहा। अच्छा, वो सच में पागल है क्या? पागल? माँ, मम्मी दिखने में तो बिल्कुल ठीक लगे है वो, पर है बिल्कुल पागल। तो तू घर से बाहर मत जाइए। हाँ, मैं तो घर से ना जाऊं, पर तू एक काम कर, तू जल्दी से जाके कुंडी लगा दे, कदी मारे घर में। अच्छा, लगा क्या हूं? हाँ, सुन सुन सुन। हाँ? वो अगर दरवाजा भी खटखटाए ना, खोल मत दिए। ना खोलने की, ना खोलने। जा। छोरी ने के रास्ता बताया, गांव ते बाहर काट दिया। भाई लो, कर लो बात, पूछ लो राह। और अरे भाई सुनिए, कैसे मुड़ा, यू भी पागल दिखे। यू रघुराज का मकान कहाँ सी? राम मंदिर के सामने पीला मकान, यही है। आज? अच्छा भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रघुराज, अजी सुनो तो सही, अजी एक मिनट सुनो तो सही। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे कुछ हो भी गया, अरे मरवाओगे तुम, कुछ हुआ भी हम भी जाओ। अरे रघुराज जी, अजी देखो अपने घर में कोई पागल घुस गया। ओम प्रकाश जी, अरे अपने चौधरी साहब हैं। अरे काहे का चौधरी, यहाँ तो सारी चौधर निकल गई थी भाई, कोई अड़ोसी पड़ोसी आ जाता ना तेरी जगह तो आज तो जम के बच गया था। अरे चौधरी साहब, यू नए आदमी देख के डर जावे है। अरे यू क्या डर है, डर तो हम गए थे भाई, हमने भी केक के सुन रखे था भाई। बैठो, अरे चाय वाय बना के लाओ। बैठो चौधरी साहब। और सुनाओ चौधरी साहब, कैसे? सब ठीक ठाक भाई, पर हम तो आज भाई रघुराज जी, हम तो फंस गए थे आज, बस तम जो है सही समय पे आ गए। चौधरी साहब आने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई और दिक्कत तो कुछ ना हुई, पर यही दिक्कत सबसे ठाड़ी थी। अरे कोई ना, नए आदमी को देखकर थोड़ी सी डर जावे है, कोई बात नहीं चौधरी साहब। तुम कैसे नहीं बाहर है इतना सब कुछ? क्या बताऊं चौधरी साहब, बस करना पड़ गया।
और बताओ। बस बढ़िया चौधरी साहब, ये है हमारी बेटी। नमस्ते जी। नमस्ते भाई रघुराज जी, लड़की तो बड़ी चंचल है जी। जी हमें तो पसंद है जी बिल्कुल। या ठीक है चौधरी साहब, ये लीजिए। चाय भी लेंगे जी। भाई बिटिया बहुत बढ़िया जी, मारी तरफ से तो रिश्ता पक्का मानो। अच्छा जी चौधरी साहब, रघुराज जी, जी हमें तो बिटिया बहुत पसंद आ रही, अब तुम भी किसी दिन आई जाओ, लड़का देख लो, यो काम जितनी जल्दी निमट जा उतना ही बढ़िया है। ठीक है चौधरी साहब, आऊंगा फिर किस दिन जल्दी। हाँ जल्दी प्रोग्राम बनाओ भाई। ठीक है चौधरी साहब। अब तुम सोचते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? मेरे घर में कभी मेरी मम्मी के पास रिश्ता आ रहा है, कभी पापा के पास रिश्ता आ रहा है, कभी मेरे भाई के पास रिश्ता आ रहा है। अरे यू ही खाड़ा मेरे घर में हो रहा है, लाइन लगी पड़ी है रिश्तों की, तुझे पता नहीं है? हाँ बस तुम यही बातें करते रहना, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी ना, फिर देखते रहना तुम। ताऊ नौरंग कहाँ है? अरे यार तू भी,
जब मांगे आजा। अरे आ गया मांगे यार, क्या है यार भाई? नो रंग, तुझे कोई रंग दिखाना है तो दिखा ले, अरनी ब्याह की तो राड मर ली। अरे तू चिंता मत कर, तेरे यार नोरंग अभी चिंदा है, तू बात बता क्या है? बात बता? अरे ब्याह की है टाल, अरनी तो करने पड़ रहे चार, माँ अलग देखू फिर बापू अलग भाई अलग, अर मने तो तू जाने ही है। और इसमें मैं के करू फिर? तू काहे का उस्ताद है, मैं के करू? अरे यार तेरे बस की ना, तो तू ताऊ छिंदी ते कोई सलाह ले ले। अरे ऐसे ना कुछ भी पता, इसे पहलवानी के अलावा तो कुछ पता ही ना, ये तो फेल है। पर हाँ वो तेरा यार भी तो एक बुड्ढा जिसका तो छप्पर चढ़ाई फिर है। अरे हाँ तू सही कह रहा है, वो आदमी भी पूरा कांटे का है, और मेरा हेरवा भी बहुत करे है वो। हाँ तो एक काम कर, फोन मिला उसे, वही चल के बात करेंगे बुड्ढे से। सही कह रहा तू, उस ते वो काटेगा कुछ रहा। हेलो। हाँ राम राम जी। हाँ बता बेटा क्या बात थी? अजी बात कुछ ना, एक सलाह सी लेनी है थारे पे, थारे थोड़े आना चाह रहे हैं हम। बेटा आज और कल तो मैं बाहर हूँ, आप लोग परसों आ जाओ। अच्छा ठीक है जी, परसों आ जाएंगे। अच्छा राम राम जी। राम राम। हाँ हाँ के करा के करा? अरे परसों की कह रहा, आज कहीं बाहर है काम पे, कल भी काम पे है कुछ। मुझे लगा यू भी धोखा देता दिखे। अरे नहीं ऐसा आदमी तो नहीं है यू, बस भगवान परसुलो मेरे पिताजी को और हमारे घर वालों को थाम ले कर दिए, परसुलो ही भयाना कर दे। मांगे आलिमा, मांगे। अरे मांगे, अरे आ भैया मुझे मंदिर छोड़ का, यू तो दिखे ही ना आया, यू कहाँ चला गया आज दिल्ली कर दो भाई? छोरे ने भी हद कर दी, हम तो इससे भी दुखी हो लिए। अरे तुझे पता उसकी कहाँ गया हो? अरे उसका पता चला आज तक कहाँ जाए करे, और होएगा तो आएगा चिंदी के दौरे नवरंग दौरा पेड़ा होगा। चल तो तू छोड़ का मुझे मंदिर। अरे आज मुझे काम है। अरे तुम अपने काम सारे कर लो, और मैं कुछ बता दूँ तुम पे सारा पे जोर पड़े। अरे मुझे पटवारी से मिलने जाना है, चल छोड़ दो तुझे मंदिर तक। चल चल जिंगे तिंगे की बात मत बता करो, मुझे एकदम बता दे करो। यू काम है मुझे। देर ना करे, बैठ। सब अब अपनी जल्दी में लगे रहे, मंदिर जाने को क्या हूँ तेरे पे बड़े जोर पड़े। चलू? अरे सही बैठ जाएगी, दिल उड़क जा। आजा दर्शन कर ले तू भी। अरे तू जा मुझे पटवारी से मिला। अरे तुम तो दोनों एक से हो ना, तो वो चलता अंदर को दर्शन करने को, और तू आया था ना तू चल रहा। अरे मैं आ जाऊंगा अपना काम निपटा हूं आके। छोड़ के मत भाग जाइए, मुझे आ जाइए लेने। अरे मांगे ही मान रही है के? ए बोबो राम राम। राम राम बेबे। लेट होगी, के बात हुई? हाँ बस ऐसी होगी। यह है मेरी छोरी रूपाली। आंटी नमस्ते। बड़ी सोनी छोरी है तेरी तो, कैसे कह रही है एमए में पढ़े? हाँ एमए में पढ़ रही है। इससे अच्छी और कौन सी बात है, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी मेरे बेटे का ब्याह इससे ही होवे। ठीक है बहन, मेरी तो समझ में आ रही है छोरी, पर इसके पिताजी से पूछ लूं, सलम सबूरा मिला के बता देंगे। ठीक है बोबो, छोरी तो शानी होगी, आज तो पीड़े करने ही है, तुम जवाब दे दियो जाके। ठीक है ठीक है, जा राम जी की आ जाए बेटी। चलो आ जा रही बैठ। अरे माँ तेने तो चप्पल भी ना पहरी, पूरी भगत नहीं हो रही है, दे मेरी चप्पल। चप्पल वहीं रहेगी। बैठ गई? चलूं? चल चलिए आराम से, कभी छोटे वाले की तरह चला वे। मैं भी तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, जो मैंने यह लुंडी देखी ना, मूरत सी है, मूरत सी दूध सा है रंग, और उसका बाप भी आके यहाँ तसल्ली कर गया, तम इतना बारीक ना कतो, इस ब्याह को हुजान दो, नहीं पछताओगे। तम तो अपनी चलाओ। हाँ मैं तो अपनी चलाऊं, तू चला ले अपनी।
मैंने देख रखी एक छोरी, ऐसे देखो जैसे अंगूठी में नग, और उसकी माँ हाथ जोड़ के भीख मांग रही रिश्ते की, और मैंने तो हाँ कर दी। हाँ तेने तो हाँ कर दी, मारे से बिना पूछे हाँ कर दी, तो आई बहुत बड़ी चौधन। ना तो तुम ना आकाश के ब्याह में मेरी एक भी सुनी, और ना आप तम इसमें सुन रहे। हाँ तो आकाश की बहू किससे कम है के? तम दोनों की इस तूतू में वह छोरी हाथ तली कर जाएगी जो मैंने देख रखी है। तुम्हें नए जमाने के बारे में कुछ पता तो है नहीं, अपनी अपनी दिखा रहे हो। छोरी एमए में पढ़ रही है, उसके भैया ते मेरी बात हो रही है, बहुत सोनी छोरी है, ब्याह करेंगे माँ। ओ तू रहन दे इस मामले को, इस ब्याह को तू ना उलझा। जा मैं उलझा रहा हूँ या तुम उलझा रहे हो? कट जा यहीं, तेरा मामला ना उलझा दिया था, तेरा ना करा था ब्याह। इसका करा तो अब उसका हो जाना हमारी मर्जी से। भाभी तू यहाँ इन लत्तों की तय बैठाऊ जा, इतने वे मेरे ब्याह की तय बैठा देंगे। अच्छा मुझे तो ना पता, बाहर लग रहे हैं सब, ब्याह करने में लगे हुए हैं, तू इन्हें कुछ कह नहीं सकती के? मैं के कहूँ? अरे न्यू क्या है, कितना हंगा क्यों लगा रहे हो? अरे जिसका ब्याह वो हंगा लगा लगा है, तो ऐसा हंगा लगा रहे हैं जैसे इनका ही ब्याह होना है। पिताजी के कह रहे हैं? पिताजी घर में सब लोगों का दिमाग खराब होया पड़ा है, अरे मेरा ब्याह मेरे ते नहीं बूझ रहे। हाँ हेलो रूपाली। क्या बात है, तुम बहुत गुस्से में हो, घर में कुछ हो गया क्या? अरे तीन आदमी है, तीनों अलग अलग रिश्ते ठाऊ फिरे हैं, मेरी माँ को कहीं ते रिश्ता आ रहा है, मेरा पिताजी कहीं ते ले आ रहा है, मेरा भाई कहीं ते ले आ रहा है, अलग अलग ब्याह करते फिरे हैं मेरा। अरे मेरे यहाँ भी तीनों इसी बात को लेके लड़ झगड़ रहे हैं। अरे तेरे वालों का तो पता नहीं, पर मारे वाले तो मुझे लग रहा रात को ब्याह करके ही सोऊंगे। तुम हो कहाँ? अरे मैं तो भाभी थोड़े बैठे हूँ। फिर ये क्या कह रही है? अरे ये के कहती है, बड़ा बिचारी बुला रखी है मीटिंग में, मीटिंग तो बाहर नेताओं की चल रही है, या तो मेरे कैसी है, भीतरी बैठी है। मैं तो अब घर से बाहर जा भी नहीं सकती। अरे तू ठीक है, घर में तो है, मुझे तो यह मीटिंग खत्म होती लग रहा, घर से निकलना पड़ेगा। फिर कहाँ जाओगे, ऐसा मत करना। अरे मैं जाऊँगा कहाँ, मैं तो छिंदी वाले बरामदे में ही लौटूंगा। अरे पता नहीं क्या कह रहे हो तुम, चिमटी सिमटी रंग बेढंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अपने उस्ताद जी नौरंग। अरे पता नहीं क्या कह रहे हो तुम रंग बेढंगे, मुझे कुछ ना समझ में आ रहा। चल रहने दे, ना समझ में आ रहा हो तो अभी समझने की ज्यादा जरूरत भी ना, अब तो यहाँ तो इतना इन्होंने दिमाग खराब कर रखा है, सो जा तू, देखेंगे फिर तड़की जो होगा देखी जाएगी। हाँ चिमटी रूपाली, बेटा कहाँ जा रहे हो? पापा मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। बेटा आज कॉलेज नहीं जाना। क्यों? बेटा कोई आने वाला है। पर पापा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, मुझे ना एडमिट कार्ड लेके आना है। बेटा एडमिट कार्ड कर ले आना, जाकर अपनी मम्मी से बोलो चाय पानी का जुगाड़ करना, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझसे बता देना। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी वो पापा मुझे कॉलेज जाने से मना कर रहे हैं, और पापा बोल रहे हैं आज कोई आने वाला है, और मम्मी मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, मुझे एडमिट कार्ड लेके आना है। अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ न कुछ तो काला है, हम नहीं रहेंगे तो किसी से मिलेंगे ही नहीं। बेटा तू पिछले रास्ते से चल जा कॉलेज, बाकी मैं संभाल लूंगी, तू जा। हाँ ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम भाई आओ बैठो। अरे कहाँ गए सब, चाय वाय बनाओ। अजी चाय वाय की कोई जरूरत ना है, हमारी तो एक समस्या सी है, हम थारे द्वारा सलाह लेना है, अक्तम शाने आदमी हो, बढ़िया सलाह दो। भाई के बात हुई? अक बात यह है, अक लड़का तो शादी करनी चाह रहा है, पर बाप टांग अड़ा रहा है। बापू नहीं मान रहा? बापू क्यों नहीं मान रहा? जी पता नहीं बापू के दिमाग में के कमी आ गई। लड़की देख ली? जी लड़की तो देख रखी है, लड़की इतनी सुंदर समझदार पढ़ी लिखी, लड़की में कोई कमी नहीं है, कमी बापू के दिमाग में। अब बताओ हम क्या करें? तो ये काम तेरा बापू कर रहा के? हाँ जी मेरा बापू तो कर रहा है काम। अरे तो हमें फोन करके बता देता। तुम्हें बता देता? तुम्हें क्यों बता देता? क्यों नहीं बतावेगा, जब वो आया था लड़की को देख के गया, पसंद कर गया, उसे पुचकार के गया, उसे पैसे दे के गया,
और बोल रहा था कि मैं अंगूठी पहनाना आऊंगा, फिर भी हमें नहीं बताएगा फोन करके वो। यू बीच तन्ने बो रखा के? हाँ मेरी छोरी तो देख गया। अरे बुढ़े तुझे शर्म नहीं आई? हम तेरे दिन रात काम आवे और तू मारी पेड़ काटन लग रहा। हम तुझे बड़ी आदमी समझ रहे थे, तू तो बहुत गिरा हुआ आदमी है। अरे यू खानदानी लौंडा और तू डेढ़ पैसे का आदमी अपनी छोरी को कहीं और ब्याह दिए। तेरा बापू तो था ही पागल, तू से बड़ा पागल है। ठीक है मैं टाइम से पता चल गई। अच्छा अरे पागल पड़ने के काम तू कर रहा और पागल हमें बता रहा। और आज के बाद ध्यान रखे मुझे फोन मत कर दिए, मिल मत जाइए, आ मत जाइए, समझ गया ना? ध्यान रखिए अजीब आदमी। हमारी बात ना मानी ना तो तुझे यही ठोकूंगा क्या? ये तुम्हारी बात मान लिए और ना इतनी देर में हाथ छोड़ दूं मैं, मुंह को फोड़ दूं मैं, पटकूंगा। कभी समझ में आ रही हो बात? बहुत बोल लिया। मेरा नाम नोरंग था, नोरंग दूर दूर तक चल जा मेरी। ए रुक, ए छोरा, ए बेटा बेटा रुक। आजा बेटा, यो हमारा घर है, दूध दाद पी के चल जाइयो। अरे हमें देर हो रही है, हमें दूध दाद पीने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अरे तेरी माँ तो तेरे ब्याह की बात कर रखी थी। हैं? उसने कुछ जवाब ना दिया, तू भी आ जा, निगासी मार के चला जा। हाँ बोल देगी तो इसी महीने में तेरा ब्याह कर देंगे। अरे या बुढ़िया बोल रही है बीज, हमने बुढ़िया मान के एक दो बार छोड़ के दी, या तो मारे पीछे लग गई, बताओ। अरे आके घेरो खड़ी है, नहीं हट जा। तुम बड़े बदतमीज हो। हाँ तेरे में घनी तमीज है, सारे धंधे का नाश कर कर थमी ना रही उठी जी। मारूंगी थप्पड़ पिल्लरुआ सा के, दिमाग ठीक हो जाएगा। दिमाग को तू ठीक कर ले, नोरंगा के खड़ी है तू, समझ नहीं रही बात को। जाड़ते अरे हाँ मेरी माँ दो फोन मत कर दिए, तू बीच में दहट जा, मारा अपने आप हो जाएगा। तन्ने अगर ब्याह भी कर दिया ना अपनी छोरी का तो इतनी दुखी कर दूंगा तो रोगी, तू भी जिंदगी भर रोगी, समझ गई ना? हाँ तेरे गल्ला करूंगी मैं अपनी छोरी का ब्याह, मैं तो सोची तू बढ़िया से। हमारा दोस्त ठीक है पर बुढ़िया तू ठीक नहीं है, चली जा जा अपनी लौंडिया कहीं और ब्याह लिए। चार दिन का बालक हमें बातें बना चला गया, हम तो सब बहुत अच्छा माने थे, एक पैसे का नहीं निकला वो। अभी फोन लगाता हूं। हेलो। हाँ रघुराज जी, कहो रिश्तेदार। अब हमारी रिश्तेदारी हो गई खत्म। रिश्तेदारी खत्म होगी, क्या बात कर रहे है भाई? ये तेरा छोरा जो हो ना घना बदतमीज है, मैं तो अपनी लड़की के साथ इससे करने का नहीं। अरे क्या बदतमीजी कर दी इसने, अब कुछ नहीं बताना, न तम आई हो ना हम आवे। अरे सुन तो, फोन काट दिया। हाँ भाई इधर सुन। आई। लो यार हमारी तो ये भी सुन नहीं। हेलो। हाँ राम राम बहन। राम राम को तो तू भूल जा, और तू समझा दिया अपने लाल को। या ना जावे ना उसकी खैर ना है, ना लायक कहीं का। अरे कुछ बात भी होगी, बात तो बता। बात होगी खत्म। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? हम हमारी छोरी का ब्याह तेरे छोरे के लाम बिल्कुल ना करें। जरूर इस मांगे नहीं कुछ गड़बड़ करी है भाई, मैं तो इससे भी दुखी होली, उल्टे सीधे काम करता फिरे जा यू भी। लो चाय। अरे चाय ले आई। अच्छा ओ भैया रुके 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 रे रे, कैसा करेगा, मार दिया देख के चल ले। अरे रुके भैया रुक जा रुक जा रुके 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 रुक रुक भाई मांगे के हाल है, कैसे हमारे गांव की तरफ से आ रहे हो? अरे थारे गांव में तैयार है, एक बुड्ढे ने इतना दिमाग खराब कर रखा था। अरे हम ब्याह अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो न्यारे रिश्ते ले फिरे। तो फिर घर को चलो, चाय पानी पी के जाइयो। अरे चाय पानी बहुत हो लिया आज, न्यू समझ भरे पड़े हैं चाय पानी थे। अच्छा हमारे प्रोग्राम का क्या रहा? प्रोग्राम तेरा कौन सा प्रोग्राम भाई? अरे वही ब्याह वाली, मैंने आकाश से बात करी तो थी, बताई ना उनने तुझसे के? अरे वही थारे ब्याह की अपनी बहन से। अरे यू भी बीच बहु फिरे। अरे झांस तुझे भी हम ही दिख रहे हैं, हैं? तू हमारे पीछे तू भी रिश्ते ठाव फिरे, अपनी भांड का रिश्ता लाओ, उसका स्वयंवर कहीं और ही कर लिए। हम तो अपने हिसाब से करते फिर रहे, ये टांग अड़ाते फिर रहे हैं।
अरे बहंडे से तुझे बिल्कुल भी अकल ना आके, अकल देख के खा गया तू बुंडी शकल के। मारी तो आकाश से पक्की हो रही थी। अरे आज इन पक्कियों की तो फोड़ता फिरूं मैं, हम इसी नाम के लिखड़े हुए हैं मैं और उस्ताद जी, इन पक्कियों को ठीक करेंगे। अरे तोबा बुला रखी है तेरा ससुरा ठाके, तेरी हेल्प कर दी अस्पताल ले गए तू अपनी बहन को लेके मारे पीछे पड़ गया। अरे कहीं और कर लिया उसका ब्याह, अरे हमें अपने हिसाब से कर लेने दे। क्यों उस्ताद? हाँ, और चला जाना छेद को फोड़ दूंगा। अरे क्या कह रहे हो? और इतनी देर में हाथ खा दूं मैं। हाँ, आ मत जाइए उंगे को मारेंगे बहुत, अभी तो हम बचाते फिर रहे थे, समझ गया ना? पीट दे हम इतनी देर में उस्ताद, मारते करे फोड़ दूंगा। हाँ, ध्यान रखिए कभी आ जाए रिश्ते लेके साड़े पकड़ के लठाऊंगा, अभी तो कुछ ना कह फाड़ दूंगा। बदतमीजी की हद पार कर दी, क्या सोच रहा था क्या निकला, इसके भाई को फोन करता हूँ। हाँ राघव, सुना? सुना ना यू है कि मारे घर आने की कोई जरूरत ना है, मैं अपनी बहन का ब्याह बिल्कुल भी तेरे भाई के साथ होन नहीं दूं। अरे वो तो बड़ा बदतमीज है, हद कर दूसरे बदतमीजी की तो यहाँ। अरे कुछ हो भी गया? रिश्ता खत्म कर दिया, यहाँ आए का फटक मत जाइयो, सुन गया के नालायक कहीं के। अरे किसे कह रहा नालायक? पहले काट दिया फोन, बताओ भाई रिश्ता खुद लेकर आया था मेरे धोरे, अब रिश्ता खत्म कर दिया, इरे सुसरे कहीं के। ठीक लगे कर रहा था, पता नहीं ये आज क्या हो गया। हाँ जी बताओ क्या कर रहे थे? तुम कहाँ थी आज? मैं तो रामकली का पता लेन चल गई थी। अब के ढंग है उसका? इब तो हांडन फिरन लग गई। चलो अच्छा है, रूपाली आई ना? अब लो ना, मेरी समझ में तो नू आवे, तू जो छोरे कह रही थी ना उस छोरे से बात चला रहे शादी की। ना जी, मर्द मानसी ब्याह की बात करया करे, तम्मी कर लियो। मैं तो कह रहा था तू ही कर लेती बात। उनका क्या होया जो आज देखने आने वाले थे? मुझे न लग रहा वो ठीक, वो तो बहुत झूठे आदमी है। अच्छा, मेरे वाला भी ऐसा ही है, वो छोरा मैंने ठीक ना लगया। हाँ भी राघव कहाँ था? अरे कुछ ना, वो जानने वाले मिल गए थे, वहाँ टाइम लग गया था थोड़ा सा। तू जो लड़का बता रहा था उसका कह रहे? क्यों, तुम्हारा कहाँ गया जो लाखों में एक था समंदार, उससे बात कर लो अब। वे ठीक ना है। हरी माँ, एक पार्टी तेरे धोरे भी थी, उससे बात कर लेती? ना भाई, मैं ना करती, तम्मी दोनों बाप बेटे मिलके कर लो ब्याह की बात। अरे उसका क्या रहा बापू जिसे तुमने 100 रुपए दे रखे थे? तम क्यों ना करते वो डाडी वाले दोरे फोन, उस दिन तो वो बगड़ में भाग्या अंडे था। मैं ना करता उस निकम्मे को फोन। क्यों, अब क्यों ना करते? जब तो क्या करे ब्याह हो करेगा तो वही होगा, कहीं और होने का ना, फोन करने से नाट रहे हो। अरे तम जानो दोनों, मुझसे तो बकवास करो मत। अरे मोटरसाइकिल काहे को उठा ली भाई? सर्विस ले आऊं इसकी करवा के। क्यों क्यों, तुम्हें चाहिएगी ना ब्याह में? अरे ब्याह उन दे रहा, तू सारे ब्याह का मट मारा लग रहा। मैं कैसे मट मार रहा हूँ? अरे तन्ने तो नास पीट रखा है, मान जा मत ना मेरा मुंह खुलवावे तू। अरे मुंह मेरा भी ना खुलवावे। तुम मुंह को ही खोल लो, क्यों ना खोल रहे? अरे मर जा, जिस लोंडी के बाप को गाली देने लग रहा वो तेरे अपनी लोंडी ब्याह देगा के? जो थारी पार्टी के जोर खत्म हो लिए हो तो मैं अपने वाली पार्टी को कहूं? अरे तुम मरे ना के पार्टी तो बता लग रहा। ना तो मैं कर लूंगा। सर्विस का तो बहाना है, मैं तम तेनू कह रहा हूँ इसे रोक लो, नहीं तो किस दिन बहू पठा के लावा। हाँ, मैं इसे पढ़न दूंगा घर में। इस घर की इज्जत तो मट्टी में मिल जाएगी। यू के इसे अपना घर मानने, इसका घर तो चिंदी का घर है। बैठ, अब बता क्या बात है? आज भाई मैं बहुत खुश हूँ, आज जो वे रिश्ते वाले दाएं दे रहे थे ना, हमारे चक्कर काट रहे थे, उनका झंड पीट के आया हूँ, इतनी गाली दे के आया हूँ कि आज के बाद वे रिश्ता तो छोड़ हमारे गांव की ओर को लखा के भी नहीं देख सकते, ऐसा करके अच्छा? आया हूँ। हाँ और सुन, ज्यादातर थारे गांव की सारी छोरी एमए में पढ़े हैं के? एमए में? हाँ, हमारे गांव में से तो बस मैं ही एमए में पढ़ती हूँ। हैं? हाँ। अच्छा तू यू बता, तू किसके घर जाके आया? अरे मैं तो मंदिर के सामने, वो पीला सा घर है, चौकट सी लग रही है, उसमें गया। पीला घर? हाँ। वो तो मेरा घर है। हैं? वो काला सा बुढ़ा मूछ दाढ़ी रखे है, वो तेरा बाप है के? हाँ, वो तो मेरे पापा जी हैं। पापा जी हैं वो? हाँ। अच्छा, और एक बुढ़िया तो मेरी माँ को अपनी छोरी मंदिर में दिखावती। वो तो मेरी मम्मी ने दिखाया। अच्छा, एक लड़का मेरी मम्मी को मंदिर से कई बार घर छोड़ने के लिए आया,
मैं आया। तू? हाँ तू उसकी छोरी है के? हाँ। मर गया। अच्छा और वो एक थरे गांव का एंडा मेंडा सा राघव राघव वो पीछे लग रहा मेरे। राघव आज सुना दी पूरी उसे भी। अरे हाँ। वो मेरे बड़े भैया हैं। वाह भैया। हाँ। तू करके क्या है यू बता। मैं तो खूब आज ऐसी तबीयत से सुना के आया हूँ कि याद रखेंगे। कुछ गुंजाइश छोड़ी कि ना? कर ले अब सब भंडा फोड़ करके आया अब कर ले शादी। शादी पिताजी प्रणाम। आज पता चला माँ बाप की कीमत क्या हो। माँ बाप जो अपने बालक की ना सोचते हैं वही बात सबसे बढ़िया हो। आकाश अरे उरैया ये तो करिया दिखा घर का नाश। अरे मुंह दिखा यो रखो पी के तो ना आया तू। कुछ ना पी के आया मैं खाए कि ना पी के आऊं मैं खामा खा। अरे जी ये चिन दिखे घर वही बैठाया दिखा बहू को मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैं भी आया हूं वहीं उनके वहां बहुत सारी भीड़ बैठी है सारे गांव की लुगाई वहीं बैठी है। भैया इसने तो कर दिया घर का नाश। अरे छिंदी गिर गया भीत पे नहीं लग रही है भीड़ वहां। छिंदी भी देख रहा है कि बहू को भीत पे चढ़ के। तू तो पागल होगी छिंदी काहे की नहीं बहू को देखेगा वहां कहां बहू धरी है। पिताजी तुम वही रिश्ता कर दो जो करके आए थे क्योंकि मुझे पता है माँ बाप जो कर देंगे बालक ने वही ठीक। भाई उस रिश्ते की तो टाल होली। टाल होगी? अच्छा बड़ी तकड़ी रिश्तेदारी पाई गए एक मिनट में टाल भी होगी। तुमने करी होगी टाल? हाँ मैंने ही करती टाल। अच्छा तुम ना करे तो कोई बात ना ये दो ठेकेदार खड़े इनके धोरे भी तो एक एक पार्टी थी इनसे बूझ लो। मैं ना बूझ रहा किससे भी। ऐसा मारूंगी कान पे ठेकेदार बता रहा माँ को भी तन्ने तो हद्दी कर दी बिल्कुल ही। मैं समझ गया था मैं ना करना ब्याह ब्याह तुम तो न्यू ही कर रहे हो। फिर जा लॉफर करती मैं। ले चढ़ा ले सिर पे चढ़ा। जिब में तेरे कोट था ना गंगा जमुना के बीच में कोई मेरी पकड़ उठने वाला नहीं था। इतना हंगा था थारे में? हाँ हंगे की ना बुझे हंगे का चाहे तो तेरी माँ को पता था चाहे फिर है और को ना पता किसी। ना 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 अरे नोरा आजा मांगे। यार तू खड़ा हो ले मगर नाश पिट लिया बात कैसे। एक आखिरी पत्ता तू ही है तुरप का जो काम करेगा। तो हम ही करेंगे काम बता के करना। आ तू मेरी गैल चल तो दूध पी के जाइए वे बादाम भीग रहे वे खराब जाएंगे। पप्पू दूध तो पी रखा। आजा भैया। बता के क्या है? वो हाँ भैया वो मैं ये कह रही थी ना आप परेशान मत हो आपने जो मेरे लिए लड़का देखा है ना मैं उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्या कह रही है तू तेरी शादी उस लफंगे से मैं कभी भी ना हूँ। भैया आप तो कह रहे थे कि वो हीरा है सोने पे सुहागा हो जाएगा अब क्या हो गया। अरे तुझे पता ना हो कितना बड़ा लफंगा उस बेवकूफ से तेरी शादी मैं किसी भी हालत में ना हूँ। भैया 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 देखो आप परेशान मत हो मुझे भी परेशान मत करो भैया समझो। रूपाली तू समझ नहीं रही तू चली जाए यहाँ से। जा ना। वैसे भैया एक बार और सोच लो आपने इतनी तारीफ करी तो उस हीरे का के करोगे तमाम। बताओ मैं के करूंगा चल हमारी किस्मत फूटी थी जो लौंडा हमें मिला वो रूपाली से क्या क्या सपने सोचे थे शादी कर लेगा बेवकूफ है नंबर एक का हमारी बेइज्जती कर रहा के सुकर है पहली पता चल गया। पर इस लौंडिया को कैसे समझाऊं कि उसने मेरे साथ के करा हमें तो पता ना नींद भी कैसा आएगी। राम राम जी। राम राम जी प्रथम हो कौन। अजी मैं मांगे का छोटा था वो बड़ा बदतमीज छोरा है। अजी बदतमीज ना वो तो बहुत सुधा लौंडा है। हाँ अजी ऐसा है मन्ने मांगे की माँ धमकाई मांगे का बापू धमकाया और मांगे भी धमकाया और बस अजी वैसी कुछ गड़बड़ होगी थी वो किसी ने सिखा दिया था और जी सिखाने वाले भी थारे गाँव के थे। अजी अब सारी बात भूल के और रिश्ते को कबूल कर लो और ये बहुत बढ़िया रिश्ता जी ऐसा रिश्ता ना मिलने का आप भी बढ़िया हम भी बढ़िया और लौंडा बहुत बढ़िया जी। यदि तुम गारंटी लियो हो तो मैं घर जाके फोन करूंगी। अजी तुम चिंता ना करो फुल गारंटी है हमारी और सारी उम्र की गारंटी है ऐसी कोई चिंता की बात ना जी आप बेफिक्र होकर रिश्ता करो। अच्छा राम राम। राम राम जी।
हेलो। हाँ बहन, मैं सोमती बोल रही हूँ। हाँ बहन, कैसे करा फोन? अब हमें तसल्ली हो गई, हमारी बेटी का ब्याह तुम्हारे बेटे से ही करेंगे, चिंता करने की कोई बात ना है, ठीक है वो? कैसे? क्योंकि वो मांगे के ताऊ जी आए ना, उन्होंने सारी बात समझाई, अब हम बहुत खुश हैं, तुम आ जाओ, ब्याह की बात करेंगे। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। अरे लाला रुकिए। हाँ जी। मुझे राघव के घर जाना जी। राघव? राघव तो मैं ही हूँ जी। अच्छा, मैं ठहरते ही मिलने आ रहा। बताओ जी। अरे मुझे माफी मांगनी थी। माफी? हाँ, जो तुम माफ कर दोगे तो ठीक है ना, तो मैं चलूं। अजी ऐसी क्या बात होगी, माफी किस चीज की? भाई मैं मांगे का छोटा ताऊ हूँ, और बात ऐसी है, वो किसी ने भड़का रखा था, और भड़काने वाले भी सारे गाँव के, मैं माफी मांगने आया था, और बात वही रहेगी जो मेरे तेरे बीच में, और सारी गारंटी मेरी और थारी रहेगी, अब क्योंकि हम बड़े हैं, सब हमें संभालना पड़ेगा। जब आप इतनी बात कह रहे हो तो ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर वो तो तैयार है। हाँ जी, वो मैं सारी बात समझा गया हूँ और बिल्कुल तैयार है, पर ध्यान रखिए हमारी सारी जो बात है, बात वही रहनी है और वही रहेगी। चलो साहब ठीक है, आपकी बात मान ली हमने, आओ चलो। घर चलने का टाइम नहीं, मैं बहुत जल्दी में, मुझे बहुत जरूरी काम है, अब फिर मिलेंगे। ठीक है जी, राम राम। अच्छा राम राम। राम राम जी। हेलो आकाश भाई, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। कैसी? आपके ताऊ जी यहाँ आए हुए हैं। मेरे ताऊ जी? हाँ, आपके छोटे ताऊ जी। अच्छा फिर? उन्होंने सारी गलतफहमी दूर कर दी, मेरी बहन का ब्याह आपके भाई से ही होगा, बस एक काम करो, आप जल्दी आ जाओ। ठीक है तो मैं आ रहा हूँ, ताऊ जी को वहीं रोक के रखिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाओ जल्दी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। बैठो। हाँ जी बताओ, कौन? अजी बताना के है, बताने का काम तो हमने छोड़ दिया ना, और बालकों से गलती हो ही जा, और भाई बड़ों को समझना पड़े ये बात, तो वो बालक सिखा दिया था किसी ने, और सिखाने वाले भी थारे ही गांव के थे। अरे मामला क्या है, साफ साफ बताओ, अलज पलज तो करो मत। अजी अलज पलज को सुलझाना आया हूँ मैं मांगे का छोटा ताऊ हूँ, और मांगे किसी ने भगा दिया था, सिखाने वाले भी थारे गांव के थे, सीख तो पत्थर को फोड़ दे दी, अब सारी बातों को भूल जाओ जी। अच्छा ये बात है, मारे गाँव के तो है ही ऐसे। अजी अब छोड़ दो, बड़े बुढ़े काम सुलझाना ही हो, अब सारे काम छोड़ के इसे मामले को रफा दफा करो, और जो कुछ गलती होगी तो हाथ जोड़ के मैं माफी मांग। अच्छा ये बात है, आओ चलो अंदर पंखे में लेटो, आपके चाय पानी का इंतजाम करा देता हूँ, मुझे भूख भी लग रही। चलो। अबे क्या करोगे भैया, इसमें तो पंखा भी ना। अबे खोल दे गंजे। अरे गंजे खोल दे। अबे टांट फोड़ दूंगा। अबे तू जानता ना मैं कौन हूँ। खोल दे खोल दे। हेलो। हाँ सुना भाई रघुराज। सुनाना तो ये है, मांगेराम के छोटे ताऊ आपके बड़े भाई आए हुए हैं। भाई साहब, अगर आप भी आ जाओ तो सारा मामला सेटल हो जाएगा। हाँ भाई अब तो आना ही पड़ेगा। अरे एक काम करियो। हाँ जी। इतने हम आवे, भाई साहब को रोक के रखियो यहीं। ठीक है जी। भाई साहब, अरे मामला भी बन गया, हमें तो यूं लगे ये सारे के सारे खेल इस मांगे के ही दिखे हैं, इस ब्याह के चक्कर में यूं जेल कचहरी भी करवाएगा। चलू देखूं मामला क्या है, भाई साहब से तो मिली ले। अलज पलज करवा रखा सारा मामला। अरे सुन, आज मैं कुछ ना सुन रही, आज उस छोरे की माँ ने लग रही है जिससे मेरी बात होती थी। बापू बात पक्की हो गई, छोरे का बड़ा भाई आने लग रहा। भाई आने लग रहा? हाँ। इधर मान लग रही, इधर भाई आने लग रहा। हाँ।
राम राम चौधरी साहब। राम राम जी। राम राम बहन। राम राम। यो ही है वो छोरे की माँ जो मैं बता रही थी। बैठो आप भी। और कैसी हो बबो? अच्छी हूँ, आप सुनाओ। घर में सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। और हमारी बेटी ठीक है? एकदम बढ़िया है। अजी हमारे बीच में कुछ गलत फहमी आ गई थी, अब ठीक है। अच्छा। अरे राघव है के? अरे आकाश भाई आओ, छोरे का बड़ा भाई है। तू? राम भाई भी आ लिया। बैठो आकाश भाई। ये उसी छोरे का भाई है जिससे बात चली थी अपनी, शादी की बात ना करी थी रूपाली की, उसका बड़ा भाई है ये आकाश। अरे रघुराज है क्या भाई? चौधरी साहब राम राम। राम राम भाई। राम राम। ठीक ठाक है सब? चौधरी साहब। अरे कैसा मजमासा लगा रखे भाई? बैठे हैं। आप? तू? अरे तू भी है के? अरे चौधरी साहब इनके आप समटर हो, मैंने जवान दे दी आपके बेटे से होगी शादी। हाँ हाँ जबान तो मैंने भी दे रखी है, तब मडरो तुम्हारे बेटे से शादी होगी हमारी बेटी की। आकाश भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने जो वादा करा था इन सब पूछ कर करा था कि शादी आपके भाई से ही होगी। अरे चौधरी साहब के बेटे से होगी शादी? अरे ऐसा कैसे होगी, हमसे भी तो तुमने कही थी। अरे मैंने भी वादा कर रखा है। अरे मैंने तुमसे सोनू से पूछ के बात करी थी। चुप रहो। नहीं बेटे से होगी शादी, मैंने भी तो वादा कर रखा है। अरे चौधरी साहब चिंता मत करो, मैं कैसे करूं मेरी से शादी? ये तो कैसे करते हो मेरी बेटी को पढ़ लिया? सुनो सुनो यार, समझ पलज मत हो, मैं सब तय ब्याह कर लूंगा। अरे तीन तीन बहू लाएगा के घर में, नई कार काटेगा क्या? ओ पन्ने खा, नई कीर काटेगा क्या? नहीं। अरे घना मत बोल, ब्याह एक तो ही होगा। अरे सुनो सुनो, ये वही लड़का है जो मैंने पसंद कर रखा है। तुम भी सुनो, ये वही लड़का है जो मैंने देख रखा है। तुम दोनों घनी बकवास मत करो, ये लड़का मैंने पसंद करा रूपाली के लिए। मैंने पसंद किया था, ये मेरी पसंद का लड़का, ये मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। तुम चुप रहो, तुम्हारी पसंद है मेरी पसंद बात कर रहा था। अरे वो एक मारे वाला था, वो कहाँ है? अरे थारे वाले को तो पता नहीं, एक छोटा सा बुड्ढा तो अंदर। हाँ हाँ उसी को तो पूछ रहा हूँ। नोरंग तू ठीक तो है? कहाँ का ठीक हूँ यार। अरे यू कौन है इब? अजी यू उस्ताद जी। नोरंग? हाँ जी हाँ जी। अरे थारे मर जा नोरंग तू। अजी तुम आपस में क्यों पलज हो रहे हो? अजी लोंडिया से पूछ लो किससे ब्याह करेगी। ले ले भाई, इब तो यो अलज पलज खत्म कर दो, हम तो समझ गए सारी बात। सारों का लोंडा भी यही है, सारे जिसे देख रहे लोंडी भी एक और लोंडा भी एक। रूपाली को तो बुलाओ। रूपाली रूपाली यहाँ बेटा। भाई ऐसी अलज पलज भी तुमने कभी ना देखी होगी, हम तीनों ने भी यही बहू पसंद कर रखी और तुम तीनों ने भी यू ही लोंडा पसंद कर रखा, और सबसे बड़ी बात इन दोनों ने भी आपस में एक दूसरे को पसंद कर रखा। तुम्हें कुछ पता तो है ना, तुम जाके देखियो कितनी सेवा करे वो। अरे भाई तू ले जा सर, तुम्हारा नाम है। आप उस वे में कह जाओ जने मैं सही काम करूंगा, कहना होगा कि जने गलत करेगा। हाँ बस उतना। रोल। चलो भाई एक्शन। तुम्हें कुछ पता तो है ना, तुम जाके देखियो कितनी सेवा करे वो। अरे भैया तू एक काम कर, तू ही ले जा सर, दिवा ले जो मांग ली। हाँ ठीक है मैं दुआ लूंगा। हाँ हाँ भेज ले से, यो बना के लाओगा, देखते नहीं रहा। यो तो पाम के जरक्सा हो रहा तेरे, क्या लैक्सी आ गई भाई? चोट सी लगी वो मांगेगा पुत्ता बता लग रहा था, पंगा तुम्हारे लिखे भाई। सुना काम ट्वीट जी, अब बता दो बात करे लो नहीं लो अजी तुम भी किस किस की मान लो यू तो भी अरे हमें नहीं मसाल लग रहा तेरा तो होना है, हमें और आठ बाट दे के बारे में जानते ना, वो हाथ छोड़ दे वो किसी पे। हाँ वो तो हाथ छोड़ दे वही छोड़ेगा हाथ। सर ठीक है। हाँ। आपकी तारीफ। ठीक है।